Yes people. good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग आप मैं बता दूं। होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ ये पुणे वाले बच्चे पहले ना थोड़ा छुप हो जाओ ना थोड़े छुप हो जाओगे तो सुना ही देगा बेचारे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो घर पे बैठे हैं। या अंजलि गुड मॉर्निंग ज्ञानेन्द्र भगत रविंद्र सबका नाम ले लिया ठीक है प्रियांशी अब इतना का नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा But good morning to all of you. कैसे हैं सब लो? Hope so, आप सब लोग? लोग आप बहुत बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दू, मैं बता भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज अपन थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पे भी जाएंगे दो दिन से हम थोड़ा थियरी थे इनकम टैक्स में पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पे भी हम जाएंगे प्रैक्टिकल थोड़ा पढ़ेंगे टैक्स वगैरह कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं कैसे कैलकुलेट करना है वो सब चीजें आज अपन सीखेंगे तो चलिए जो कल पढ़ा था पहले उसको रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था मैंने बताया था पहले सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले किसी की क्या निकालेंगे इनकम और उस इनकम पे क्या निकालेंगे टैक्स तो इनकम कैसे निकालनी है तो इनकम को फाइव हेड में बांटा हुआ है सबसे ऊपर नेम ऑफ द एस उसके बाद पांच हेड कौन कौन से पहला वाला इनकम फ्रॉम सैलरी दूसरा वाला हाउस प्रॉपर्टी तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन चौथा कैपिटल गेन और पांचवा अदर सोर्सेस इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन को लेस कर देते हैं अंडर चैप्टर सिक्स मिल जाता है टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम ये जो पांच हेड है ना ये पांच घर है आपको जाके दरवाजा नॉक करना पड़ता है अंदर से आवाज आती है और पूछा जाता है कि ये इनकम कौन सी है अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप से है तो सैलरी में जाएगी

कैलकुलेट करने के लिए और इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स लॉ का और इनकम टैक्स लॉ में किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो 1961 में आ चुका है पूरे इंडिया पे लगता है

जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सब रूल में दे रखे हैं परक्यूजिट वैल्यूएशन के रूल्स वो रूल्स में दे रखे हैं उसके बाद आता है एक्ट ट्वेंटी थ्री क्या होता है कि हर साल हमारी गवर्नमेंट है वो बजट लेके आती है और बजट प्रेजेंट करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है निर्मला सीतारमण जी जो आपके लिए बजट एप्लीकेबल है वो दो हजार तेबिस वाला है जो कि फर्स्ट फेब 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था उसके बाद में दोनों में डिस्कशन हुआ दोनों में उसको पास किया गया और उसके बाद उसको भेजा गया हमारे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास। जिस दिन ना कर दिया, वो फिनेंस बिल की क्या बोला जाएगा फिनेंस बन गया। तो पहले फिनेंस बिल 2023 था, फिर एक्ट टू फिनेंस एक्ट थ्री बन गया जो तुम्हारे लिए

फाइनेंशियल ईयर में दो फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं जैसे आज मैं इनकम कमा रहा हूं आपको पढ़ाने से तो ये मेरा प्रीवियस ईयर तेबिस है तेबिस चौबीस में मैं इनकम कमा रहा हूं और इस इनकम पे जिस ईयर में मैं गवर्नमेंट को हिसाब दूंगा जिस ईयर में मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगा दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर तो इस ईयर में जो इनकम कमाई जाती है उसको ईयर ऑफ इनकम को प्रीवियस ईयर बोला जाता है और जिस ईयर में जाके आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो गवर्नमेंट को जाके टैक्स भरते हो उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है आपके एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखना प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस है और असेसमेंट ईयर है वो आपका चौबीस पच्चीस है ईयर हमेशा बारह महीने का होता है ऑलवेज बारह महीने का होता है लेकिन प्रीवियस ईयर है वो बारह महीने से कम का हो सकता है कौन से केसेस में अगर मान लो वहां पर नया बिजनेस चालू किया है कोई नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम आया है तो वहां पे आपका प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम का हो सकता है अदरवाइज हमेशा प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का होगा उसके बाद प्रीवियस ईयर ईयर असेसमेंट के बाद वापस से अपन इस पे चलते हैं चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है चार्जिंग सेक्शन बोलती है इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन सर ये पर्सन का मतलब क्या है क्योंकि आप बोल रहे हो कि इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी पर्सन हर पर्सन को इनकम टैक्स लगेगा तो पर्सन में कौन कौन आता है सर तो पर्सन की डेफिनेशन कल अपन ने पढ़ना चालू किया था जो कि सेक्शन टू क्लॉज नंबर थर्टी वन में दे रखा है तो पर्सन में कौन कौन आता है अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब मैं बोलूंगा लिखने का तब लिखना है आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है अभी तो पर्सन में बेटा आपका सबसे पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल में कौन कौन आता है आप हो इंडिविजुअल हो मैं इंडिविजुअल हूं हर एक नेचुरल पर्सन है वो इंडिविजुअल में आएगा क्या सर कोई माइनर है वो भी इंडिविजुअल में आएगा यस अगर मान लो कोई भी थर्ड जेंडर है वो भी इंडिविजुअल में आएगा यस कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है इंडिविजुअल में आएगा आंसर इज यस एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अभी एच किसको बोलते हैं? तो एच के बारे में इनकम टैक्स में कुछ नहीं दे रखा एक और चीज मैं आपको यहां पहले बता दूं कि अभी घर पे जाके आपको आईसीआई का मॉड्यूल नहीं देखना है मैं आपको जो क्लास में पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्या होता है बहुत बार सीक्वेंस अलग रहती है आईसीआई बहुत सारी चीजें पहले पढ़ा देती है पहले दे देती है मैं हो सकता है वो चीज चार दिन बाद पढ़ाऊं तो आपको जाके मॉड्यूल नहीं देखना है आप पहले मुझे कम से कम आठ दस दिन देंगे उसके बाद में मैं आपको पूरा मॉड्यूल से भी बता दूंगा कि जो हमने पढ़ा है वो हर चीज मॉड्यूल की कवर कर ली है वो आप मेरे पे एश्योरेंस रखो आपको घर पे जाके एक तो टाइम मिलता नहीं है अपने को सात साढ़े बजे तक यहीं पे रहते हैं तो आपको घर पे जाके टेक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है कुछ भी नहीं पढ़ना जितना मैंने पढ़ाया है बीस मिनट निकाल के सिर्फ उसको रिवाइज कर दो जो नोटबुक में तुमने लिखा है उसको रिवाइज कर दो उसके अलावा अगर मैं कुछ होमवर्क दे दूं तो वो होमवर्क कर लेना उसके अलावा अभी आप मॉड्यूल में कुछ भी नहीं देखोगे बट मैं हर टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद मॉड्यूल आपको पूरा बताऊंगा कि देखिए इस मॉड्यूल में यहां पे ये लिखा हुआ है आपका 100 परसेंट कवरेज मैंने क्लास में कर लिया वो मैं आपको एश्योरेंस लास्ट में दूंगा हर टॉपिक के बाद में तो अभी जाके और मॉड्यूल को मत माथा फोड़ना करके ठीक है कि दीवार क्योंकि क्या होता नेक तो नहीं, नहीं, है तो नए नए मॉड्यूल आते हैं आगे मॉड्यूल के नहीं आए आने वाले होंगे बहुत सारे लोगों के आ भी गए होंगे तो एक तो क्या नई नई बुक आती है तो थोड़ी खुशी होती है ना अंदर से कि देखते हैं ना क्या लिखा हुआ है करके ठीक है ट्राई तो करते हैं दो घंटे पढ़ते हैं दो घंटे ट्राई करते हैं उसके बाद बोलते हैं कोई समझ में नहीं आया करके ठीक है रख देते हैं फिर तो भैया और फिर वो क्या काम आता है मॉड्यूल पता है कि जब आप बन जाते हो ना, जब आप आप सीए सीए बन बन जाते जाते हो हो ना ना तो इतना सा एक वो लाइन बनाते हैं पता है आपको इतने बड़ा वो टावर मॉड्यूल का बना के और लाइन बना के और बोले सीए बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है आधा झूठ है कि नहीं करके ठीक है उसमें से मॉड्यूल तो किसी ने नहीं पढ़ा था और वो टावर जब देखोगे तो उसमें आधे से ज्यादा तो मॉड्यूल ही है तो वो उसके काम आएगा उसके अलावा अभी काम की जरूरत नहीं है मैं जब बोलू तब देखना है अभी आपको मत देखना तो इंडिविजुअल और की कल बात बात कर रहे थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अब एक समझना जो H. H. होता है ना तुम देख लो पहले इन लोगों को उसके बाद में चालू लो, सब लोग देख रहे हैं पागल बच्चे देखो ऑनलाइन वालों इधर देखो एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारे ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट आते थे पहले पहले मैं प्रैक्टिस करता था तो हमारे ऑफिस में क्लाइंट आते थे वो हमको आके बोलते थे कि एच एचयूएफ बना के दो करके ठीक है तो मैं तो मैं बोलता था यार एच हम कैसे बना के दे तुम बना के लाओ हम उसका रिटर्न भरेंगे उसका पैन कार्ड बनाएंगे वो सब करेंगे एचयूएफ हम कैसे बनाएंगे करके ठीक है तो वैसा होता तो था एच यूएफ की डेफिनेशन दिफिन, है वो इनकम टैक्स में कहीं कुछ नहीं दे रखा वो दे रखा है हिंदू लॉ में हिंदू लॉ में दे रखा है कि क्या होता है कि अगर एक मेल मेंबर है उसकी बीवी फीमेल है और उनका कोई बच्चा हो जाता है उसके बाद में वो एच क्रिएट कर लेते हैं अब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बच्चा अगर पेट में है तो भी आप एच बना सकते हो बट आजकल तो लोग क्या करते हैं जैसे शादी होते हैं वैसे एचयूए बना देते हैं और इनकम टैक्स वाले उसको पेन नंबर भी दे देते हैं अब एक बात समझना एच में कुछ लोग मेंबर होते हैं मतलब सब लोग मेंबर होते हैं कुछ उसमें से को पार्टनर रहते हैं को पार्टनर वो रहते हैं जिनके पास बंटवारे का हक रहता है कि जो प्रॉपर्टी है हाउस जो मतलब की प्रॉपर्टी है उसमें बंटवारे का हक जिन लोगों के पास में है उनको को पार्टनर बोला जाता है और बंटवारे का हक किसके पास में होता है सब लोगों के पास में होता है एक तो बीवी के पास में नहीं होता जो दूसरे घर से जो बीवी आई है उसके पास में नहीं है और बहू के पास नहीं है तो बीवी और जो बहू होती है वो मेंबर है लेकिन वो को पार्टनर नहीं है अब एक और चीज समझना यहां पे दो स्कूल ऑफ लॉ चलते हैं एक चलता है दया भागा और एक चलता है मिताक्षरा दया भागा है वो दो स्टेट में चलता है कहां का वेस्ट बंगाल और असम और वेस्ट बंगाल और असम में जो दया भागा चलता है ना उसमें क्या लिखा हुआ है पता है कि जब तक किसी के पेरेंट्स जिंदा है पापा जिंदा है तब तक बेटों का प्रॉपर्टी में राइट नहीं है उनके मरने के बाद उनके बेटों का प्रॉपर्टी में राइट आएगा दैट इज कॉल्ड दया भागा एक होता है मिताक्षरा मिताक्षरा क्या बोलता है कि जैसे ही आपका जन्म हो गया किसी फैमिली में हिंदू फैमिली में जैसे ही आपका जन्म हो गया तो वो प्रॉपर्टी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपका हक आ जाता है आप को पार्टनर बन जाते हो बेटा है बेटी है सब को पार्टनर बन जाते हैं जैसे ही आपका जन्म होता है जन्म से आपका जो प्रॉपर्टी है जो अगर मान लो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें आपका हक आ जाता है दैट इज कॉल मिताक्षरा तो हमारे सबके यहां पे मिताक्षरा फॉलो होता है सिर्फ आसाम एंड वहां पे जो फॉलो होता है आसाम और वेस्ट बंगाल वहां पे कौन सा फॉलो होता है दयाबादा चलो एच के बाद तीसरे पॉइंट पे जाते हैं और पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है कुछ लिखना नहीं है नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म कौन आता है पार्टनरशिप फर्म ये फर्म किसको बोलते हैं बताओ ना मुझे पार्टनरशिप फर्म तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म लॉ था या नहीं था फाउंडेशन में पार्टनरशिप फर्म एक्ट था नाइनटीन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन था शायद तो पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फर्म है उसको हम फर्म बोलेंगे उसको हम फर्म बोलेंगे लेकिन एक चीज ध्यान रखना इनकम टैक्स में हमेशा जो एल रहता है ना एल वो हमेशा इंक्लूड होता है पार्टनरशिप फर्म में तो जहां पे भी पार्टनरशिप फर्म लिखा है उसका मतलब एलएलपी से भी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भी है एल तो एलपी जो होता है वो भी पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट होता है तो कहीं पे भी फर्म दिखता है इसका मतलब ये की ही बात कर रहे हैं में कोई का सेम है तो फर्म जहां पे बोला जाए उसका मतलब एल भी है उसके बाद में चौथे नंबर पे एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है कंपनी बोलो क्या बोला जाता है कंपनी कंपनी किसको बोलते हैं क्या इनकम टैक्स में कंपनी को डिफाइन कर रखा है आंसर इज यस इनकम टैक्स में कंपनी को कंपनी किसको बोलते हैं देखो कंपनी बोला जाता है जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट है कंपनीज एक्ट अभी कौन सा वाला चल रहा है 2013 पहले कौन सा चलता था 1956 तो 1956 या 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो इनकॉर्पोरेट है उसको कंपनी बोला जाता है एज वेल एज किसी स्टेट का कोई लॉ है ये तो सेंट्रल लॉ है हो सकता है कोई स्टेट में महाराष्ट्र में अलग एक लॉ बना दिया जाए या जम्मू कश्मीर में कोई अलग लॉ बना दिया जाए या मान लो दिल्ली में कोई अलग लॉ बना दिया जाए और उस स्टेट के लॉ में अगर कोई इनकॉर्पोरेट है तो उसको भी कंपनी बोला जाएगा तो इन सिंपल वर्ड इंडिया में किसी स्टेट के लॉ में या फिर सेंट्रल के लॉ में जो लॉ कंपनीज़ को गवर्न करता है उसमें अगर कोई इनकॉर्पोरेट बॉडी 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 है बॉडी कॉर्पोरेट uh, अगर उसमें इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको कंपनी बोला जाता है अब सर अगर कोई इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है तो उसको भी कंपनी में लेंगे या नहीं आंसर इज यस अब देखो कंपनी लॉ भले कुछ भी बोलता है कि फॉरेन कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी लॉ में तो ऐसा ही पढ़ा होगा ना फॉरेन कंपनी ऐसी होती है जो बाहर इनकॉर्पोरेट होती है और जिसका काम इंडिया में होता है ऐसा है हमारे यहां पर फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो भले उसका काम इंडिया में हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाता है आप सिर्फ अभी इतना समझिए कंपनी का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है वो सब कंपनी में आएगा अब हम आगे जाके एक बार पढ़ेंगे एक जगह कि इंडियन कंपनी क्या होती है फॉरेन कंपनी क्या होती है और एक और मैं वर्ड पढ़ाऊंगा डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है एक होता है है एक एक होता होता इंडियन कंपनी कंपनी फॉरेन और एक होता है डोमेस्टिक कंपनी तो ये कंपनी क्या होती है ये आगे जाके मैं आपको बता दूंगा अभी आप ये समझिए इंडियन कंपनी में या तो कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको कंपनी बोलेंगे कंपनी के बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है एओपीबीआई क्या बोला जाता है एओपी बीवाई क्या होता है पता है आपको फॉर्म होता है एओपी बी का एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अब आप बोलोगे ये क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये क्या है एक एग्जांपल लेते हैं समझने की कोशिश करते हैं आपने ज्वाइंट वेंचर सुना कि नहीं सुना सुना तो ज्वाइंट वेंचर फिर किसमें आएगा जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हुआ क्या कंपनी है कंपनी है आरके लिमिटेड ये तीन लोग मिल गए जिसमें एक कंपनी है एक बीबी है और एक आरके लिमिटेड तीन कंपनियां तीन लोग है अब ये तीनों ने मिलके और क्या किया एक ज्वाइंट वेंचर बना दिया इस ज्वाइंट वेंचर को बोला जाएगा एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म कर दिया तो तो पार्टनरशिप फॉर्म है अगर बनाया, सबने तो कंपनी है, तो है ना पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो इसको बोला जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन पर्सन का एक एसोसिएशन बनाया association अब आप बोलोगे ये तो एओपी हो गया वट इज द मीनिंग ऑफ बी यू किसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसको बोलेंगे जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मान लो आठ दस लोग हैं हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो गणपति का सीजन रहेगा कब पंद्रह बीस दिन तो रहता है महाराष्ट्र में पंद्रह दिन जो गणपति का सीजन रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे दस लोग मिलके एक काम करते हैं एक तो पानी की बोतल बेचेंगे जो लोग गणपति मतलब दर्शन के लिए जाते हैं उनको पानी की बोतल दस दस रुपए में बेचेंगे पांच रुपए में खरीदेंगे दस में बेचेंगे हम मोदक बेचेंगे करके ठीक है हम लोग सब मिलके के दस लोग मिल गए और दस लोगों ने बैठे बैठे डिसाइड कर लिया हम मोदक बेचेंगे हमने ये भी सोचा कि छोटी छोटी चॉकलेट की मूर्तियां बना के बेचेंगे करके ठीक है हमने ये सोचा बट हम दस लोगों ने आज पेपर पे बैठे बैठे ये सोच लिया और हमने बोला ऐसा करेंगे उससे पैसा कमाएंगे हमने कंपनी नहीं बनाई हमने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाया पर हमने जस्ट ये काम किया पंद्रह दिन में पैसा कमाया और पैसा कमा के और अपना अपना बंटवारा करके ले लिया पैसा तो उसको बोला जाता है बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स आप लोग साथ में आए किसी पर्पज के लिए आए वो कंप्लीट कर दिया पर्पज उसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो सर फिर फर्क क्या है एओपी और बीओआई यहां पे भी तो ये जॉइंट वेंचर कर रहे थे और ये तीनों लोग साथ में आए ज्वाइंट वेंचर किया और आप यहां पर बोल रहे हो हम भी तो अल्टीमेटली दस लोग ज्वाइंट वेंचर ही तो कर रहे थे तो फर्क क्या हुआ फर्क यह होता है कि में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है मतलब यह कंपनी भी मेंबर बन सकती है यह इंडिविजुअल भी मेंबर बन सकता है यह कंपनी भी मेंबर बन सकती है सब मिले तो इसको बोला एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ना जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बन सकते हैं मतलब हम जो दस इंडिविजुअल थे हम दस इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बन सकते हैं उसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एओपी में फर्क क्या हुआ फर्क आप इतना याद रखोगे कि एओपी में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है जैसे के के लिमिटेड मिस्टर बीबी और आरके लिमिटेड ये सब मिलके जॉइंट वेंचर बनाया इसको एओपी बोलेंगे बट इसी की जगह अगर मान लो एक बंदा है मिस्टर ए दूसरा बंदा है मिस्टर बी तीसरा बंदा है मिस्टर सी तीनों इंडिविजुअल है और ये तीनों मिल गए और इन्होंने कुछ किया तो इसको बोला जाएगा बीओआई इसको बोला जाएगा बीवाई मैं बता दूं ये फर्क है बट इनकम टैक्स पूरा अपन पढ़ेंगे पहली चीज तो इसके बारे में सीए फाइनल में आएगा इंटर में है ही नहीं इंटर में अपन जो टैक्स वगैरह निकालेंगे ना वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है ये बाकी सबकी टैक्सेबिलिटी कंपनी के केस में टैक्स कैसे आता है क्या होता है एच के केस में क्या होता है एओपीबीआई केस के में क्या होता है वो सब सीए फाइनल में आता है इंटरमीडिएट में सिर्फ आपको इंडिविजुअल के बारे में ही पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा वो सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में पूछा जाएगा तो सीए फाइनल में जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे एओपी बीवाई की टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी और एओपी बीवाई वर्ड दोनों हमेशा साथ साथ में बोले जाते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्योंकि इन दोनों सेम ही है इनको हम एक साथ में ही हमेशा बोलते हैं एओपी बीवाई तो इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं सिर्फ फर्क इतना याद रखोगे कि में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है और बीवाई में जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बन सकते हैं छठा पर्सन होता है दैट इज लोकल ऑथोरिटी लोकल ऑथॉरिटी किसको बोलता है लोकल ऑथॉरिटी लोकल ऑथोरिटी एग्जाम्पल के लिए अपनी म्यूनिसिपलिटी एक बात बताओ जो म्यूनिसिपलिटी रहती है ग्राम पंचायत रहती है नगर पालिका हम लोग बोलते हैं पुणे में कौन सी है पुणे म्यूनिसिपलिटी है क्या बोलते हैं उसको महानगर पालिका पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवाड़ अलग है तो पिंपरी चिंचवाड़ की भी नगर पालिका है तो एक बात समझना ये जो है ना ये लोकल ऑथोरिटी है अब आप बोलोगे सर इनको भी टैक्स लगता है क्या आंसर इज यस इनको टैक्स नॉर्मली आपको जो पानी वानी घर पे भेजते हैं उस इनकम पे नहीं लगता लेकिन इनके पता है बड़े से होर्डिंग लगा रखे होते हैं जैसे एक बात बताऊं यहां बाहर जाते हो तो यहां कितनी सीए क्लासेस की होर्डिंग देख आपने करके ठीक है आप देखते होंगे बोले कहां आ गए करके ठीक है कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं कहां कहा किसका क्लास ले तो इतने सारे ये होर्डिंग लगा रखे हैं तो ये पता है परमिशन लेनी पड़ती है और पुणे जो पुणे जो महानगर पालिका है उसकी परमिशन लगती है और उसको पैसा देना पड़ता है और वो पैसे के देने के बाद ही ये होर्डिंग लगाने देते हैं तो जो यहां पे लोकल ऑथोरिटी को जो इनकम आएगी उस पर टैक्स भरना पड़ेगा जो एडवर्टाइजमेंट की वगैरह इनकी जो इनकम आती है उस पर टैक्स भरना पड़ता है वो कैसे है क्या है वो सब सीए फाइनल में आएगा लोकल ऑथॉरिटी का मतलब आपको ये समझना जो नगर पालिका है या जो नगर निगम है या जो ग्राम ग्राम पंचायत है म्यूनिसिपलिटी है उसको बोला जाता है लोकल ऑथॉरिटी और गाइज अगर कोई पर्सन इन सब में नहीं आता इन सब में नहीं आता तो वो आता है लास्ट में दैट इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या अगर वो ऊपर वाले किसी में नहीं आया तो वो आएगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में जैसे भगवान देवी देवता शिर्डी वाले साई बाबा अब शिरडी वाले साई बाबा जो है वो किस में आएंगे शिरडी वाले बाबा को आप इंडिविजुअल तो नहीं बोल सकते Hup भी नहीं है फर्म भी नहीं है कंपनी भी नहीं है एओबीबीआई भी नहीं है लोकल अथॉरिटी भी नहीं है तो वह किसमें आएंगे आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में या जैसे मान लो पुणे यूनिवर्सिटी अब ये यूनिवर्सिटी जो है पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ये कहां पर जाएगी तो ये पुणे यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है ये इंडिविजुअल नहीं है ये एच नहीं है ये फर्म नहीं है ये कंपनी नहीं है ये पीबीआई नहीं है ये लोकल अथॉरिटी नहीं है तो ये जाएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में तो चलो एक काम करो आप लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं कल जो लिखा था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखा था हेलो 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 मेरे को ये माइक थोड़ा ठीक लग रहा है हेलो 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 ये माइक ठीक है वो वाला ठीक है दोनों ठीक है सर कोई भी चलेगा करके ठीक है ये वाले में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है मतलब हेलो 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 अरे ऑनलाइन वालों तुमको तो दोनों सुनाई देता है ना एक बार थोड़ी देर अगर एक बार ये यूज करते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो ये करेंगे हाँ तुम बता देना जैसा भी रहे तो चलो एक काम करो सबसे पहले आपने जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा था उसके एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन टू थर्टी वन एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन टू क्लॉज नंबर थर्टी वन और इसमें लिखो पर्सन क्या पर्सन किसको बोलेंगे पर्सन पर्सन तो पर्सन में अपन थियरिटिकली मैंने आपको बुक में दे रखा है यहां पे सिर्फ पर्सन के नाम लिख रहे पहले लिखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का एग्जाम्पल क्या रहेगा मिस्टर सार्थक सार्थक इंडिविजुअल है सो मिस्टर सार्थक दूसरा लिखो एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हा एच HUF -E में लिख लो बीबीज एच BB's बीबीज एच -E -E कल मेरे एच -E के बारे में बात किया था ना मिस्टर बीबी हाँ. तो -E BB's बीबी -E सी लिखो कंपनी और कंपनी के एग्जाम्पल में लिखो जैसे कोई कंपनी क्या न किस कौन सी कंपनी का नाम लिखना बोलो अदानी पावर लिमिटेड अदानी पावर लिमिटेड कंपनी में अदानी पावर लिमिटेड उसके बाद में चौथा लिखो चौथा लिखो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म के ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग एलएलपी इंक्लूडिंग एलएलपी और इंक्लूडिंग एलएलपी में एग्जाम्पल पे लिख लो बीबी वर्चुअल बीबी वर्चुअल फॉर्म और एक एल का कुछ भी नाम लिख लेते हैं गपमी फूड्स एल एल पी गपमी फूड्स एल एल पी क्या हो में कुछ खाने की चीजें से गपमी फूड्स एल एल पी मेरी एक एल एल पी बनाई हुई है गपमी फूड्स एल एल पी जिसका नाम ही गपमी रखा हुआ है गपमी ये पानी पूरी बेचती है ठीक है हम सोच रहे हैं पानी पूरी बेचते तो कितना अच्छा नाम होगा ना गपमी पानी पूरी ब्रांड का ना अगर कोई किसी को मेरे पास पेटेंट है इसका अगर चाहिए तो बोल देना पानी पूरी का ब्रांड है जिसका नाम है गपमी आप अगर चालू करना चाहते हो तो कर सकते हो पेटेंट ले रखा है हमने उसका उसके बाद पांचवा लिखो पांचवा लिखो एओपी बीओआई एओपी बीओआई और इसमें लिखो ए एंड बी ज्वाइंट वेंचर ए एंड बी ज्वाइंट वेंचर है इसमें पावर है मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि मेरे को यह अच्छा लग रहा था इसका और आवाज बढ़ सकता है क्या थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा देना ए एंड बी ज्वाइंट वेंचर उसके बाद नेक्स्ट लिखो लोकल ऑथॉरिटी लोकल ऑथॉरिटी और लोकल ऑथोरिटी में हमारे मुंबई में है बीएमसी क्या नाम है बीएमसी या कोई ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और लास्ट में लिखो सेवेंथ पे आरटी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल ज्यूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में लिखो एक तो देती जो होता है डी ई आई टी आई ई एस भगवान वगैरह देती एंड दूसरा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एटसेक्ट्रा एटसेट्रा एट यूनिवर्सिटी एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा तो ये पर्सन होते हैं चलिए इसके बाद में आपने कभी वर्ड सुना क्या एससी क्या होता है एस किसको बोलते हैं क्योंकि अपन बार बार है ना एस वर्ड यूज करेंगे एस एस सी एस कौन होता है तो लिखिए एस नेक्स्ट लाइन में लिखिए एस लिखिए इट मींस इट मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इट मींस पर्सन required to pay tax it means person required to pay tax it means person required to pay tax or any other sum or any other sum or any other sum or any other sum, any other sum under income tax act under income tax लॉ लिख लो अंडर इनकम टैक्स लॉ एक बात समझना एक ऑनलाइन वाला बच्चा बोलता है कि डॉग किस में आएगा करके ठीक है डॉग किस में आएगा डॉग को क्यों टैक्स लगेगा भाई क्यों उसके ओनर को लगेगा ना भाई अगर तू डॉग का ओनर है तू कुत्ते को भाड़े पे दे रहा है कहीं पे तो वो तुझे इनकम मिलेगा ना डॉग इनकम कहां लेके डॉग एंजॉय करेगा इनकम को डॉग एस नहीं होता भाई डॉग नॉट एस ठीक है यहां पे यही लोग होते हैं इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एओपीबीआई लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अब एक बात समझना पर्सन में डॉग डॉग को कैसे इनकम मिलेगी भाई डॉग के ओनर को मिलेगी ना फॉर एन एग्जाम्पल तू डॉग का ओनर है तो लोगों को भाड़े पे देता है के चलो इसको डॉग को ले जाओ करके ठीक है और भाड़ा आएगा वो तेरे को आएगा ना तो तू है ना तो तेरे को इनकम होगा ना तो तेरे को टैक्स लगेगा तो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं कुछ भी बोलोगे एनपीओ किस में आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके ठीक है मैं बता दू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वो आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में आता है एनजीओ जो है वो आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में आता है अब आप बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी किसमें आएगी करके ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टी भी

या लिखा हुआ है एनी अदर सम एनी अदर सम तो वो तुम्हारा पर्सन है वो तुम्हारा बन जाएगा एस एक बात बताओ मुझे आपने लिखा एस में ऑनलाइन वालों इधर देखो आपने क्या लिखा एस में कि पर्सन रिक्वायर टू पे एनी टैक्स या एनी अदर सम तो वो एस बन जाएगा मैं मेरी बात करता हूं मैं पर्सन हूं या नहीं यस मैं पर्सन हूं मेरी इनकम भी साल की अच्छी खासी है मीन्स आठ दस लाख रुपया है तो साल की जो आठ दस लाख रुपया इनकम है तो मुझे टैक्स भरना पड़ता है या नहीं भरना पड़ता है तो मैं क्या बन जाऊंगा एस तो एक बात बताऊं जो भी ये पर्सन में से कोई भी रिक्वायर टू पे द टैक्स है या एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स है तो उसको हम बोलेंगे असएससी तुम सब लोग जितने भी बैठे हो करके ठीक है तुम सब लोग पर्सन में आते हो कि नहीं आते हो आते हो लेकिन क्या तुम असेसी में आते हो या नहीं नहीं तुम कोई टैक्स भरते हो क्या नहीं तुम जितने भी लोग हो तुम में से कोई भी अपना टैक्स नहीं भरता तो तुम पर्सन में आते हो लेकिन तुम असेसी नहीं हो मैं असेसी भी हूं और मैं पर्सन भी हूं अब एक बात बताओ मैं एक लाइन बोल रहा हूं आप बताना ये लाइन सही है या नहीं एवरी अस द पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉटी सही है या गलत है सही है एवरी अस एस सी इज दर्सन जितने भी लोग हूं मैं मैं तो तो हु। लेकिन हर पर्सन अससी नहीं होता आप लोग पर्सन में आते हो लेकिन लक्ष्मण आप अससी नहीं हो लक्ष्मण जैसे कहां बोलते हैं ऐसा कोई बोलते हैं ना लक्ष्मण एक लैंग्वेज है ना उसमें बोलता है कौन सी मूवी में

मैं हूं ना मैं मैं हूं ना मैं बोलता कि लक्ष्मण ऐसा नहीं होता तो देखो मैंने क्या बोला इधर देखना प्लीज एस का मतलब एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स और एनी अदर सम यहां एनी अदर सम का मतलब क्या होता है जैसे एग्जांपल के लिए पेनल्टी या फिर आपने ये सुना होगा ना कि आजकल ये पेन नंबर और आधार नंबर को लिंक कराना पड़ेगा अगर आपने नहीं लिंक कराया तो आपको फीस भरना पड़ेगा अब अगर आज आज अगर आप लिंक कराने जाते हो ना अपना पेन नंबर और आधार नंबर तो उसमें हजार रुपया देना पड़ता है तो आप जैसे हो, आप सब लोग कोई नहीं पढ़ते, बट आज की जैसे ही लिंक कराने जाओगे ना वो आपसे हजार रुपए मांगेगा जैसे ही लिंक कराने जाओगे वो आपसे क्या मांगेगा लिंक ये नहीं करना था लिंक पेन आधार ये आवाज लिंक हो रही है और फीस इन्होंने एक ही जगह करके ठीक है ये दो दो लेक्चर कैसे सुन सकते हैं यहां पे होता है कभी कभी ऐसा पता है तुमको हाँ, तो मैं मेरी सुनो, मेरी बात बात सुनो सुनो मैं बोल रहा हूं क्या आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने गए तो लिंक कराते टाइप आपने वन थाउजेंड रुपीज पे कर दिया तो जैसे ही आपने वन थाउजेंड रुपीज पे कर दिया आप क्या बन गए एसएससी बन गए बोलो क्या बन गए एसएससी क्या बन गए एसएससी तो मैं बोलू

हेडिंग दे दीजिए आप अपनी बुक में अगर आपके पास में टैक्स निकालना ना हेडिंग क्या अरे हेडिंग ये नहीं देनी है टैक्स निकालना करके ठीक है मैं बता रहा हूं हेडिंग क्या देनी है आप लोग सबसे पहली चीज तो यह कि अगर मान लो तीन चार लाइन ही बची है तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे बट अगर आपके पास आधा या आधे से ज्यादा पेज बचा है तो आप उसी पेज पे रहेंगे तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी यही काम करोगे सबसे पहले लिखिए आप लोग टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर चौबिस पच्चीस टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर चौबिस पच्चीस ब्रैकेट में लिखिए प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस दैट इज प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस तो तेबिस चौबीस प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स रेट क्या है देखो है ना टैक्स रेट दो तरीके की होती है एक होती है तुम्हारी जनरल टैक्स रेट और एक तुम्हारी होती है स्पेशल टैक्स रेट एक होती है तुम्हारी जनरल टैक्स रेट और एक तुम्हारी होती है स्पेशल टैक्स रेट अब आप बोलोगे ये स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है और जनरल टैक्स रेट क्या होती है तो दो तरह की टैक्स रेट होती है एक स्पेशल टैक्स रेट और एक होती है तुम्हारी जनरल टैक्स रेट तो चलिए सर आज हम कौन सी वाली टैक्स रेट के बारे में बात करेंगे आज हम बात करेंगे जनरल टैक्स रेट के बारे में और ये स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है तो मैं बता दूं स्पेशल टैक्स रेट दे रखी होती है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है और जनरल टैक्स रेट दे रखी है वो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है अब आप बोलोगे सर स्पेशल टैक्स रेट के कुछ एग्जांपल दे दो चलो मैं कुछ यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं में में सिर्फ मैं लिख रहा हूं विनिंग की इनकम है, है? है ना उस पर टैक्स रेट थर्टी परसेंट लगता है वैसे ही अगर आपको पता रहेगा कि अगर मान लो आपके बिटकॉइन वगैरह की जो इनकम है बिटकॉइन समझते हो क्रिप्टो करेंसी उसकी इनकम पे भी तीस परसेंट की रेट से टैक्स लगता है उसके बाद में जैसा कल मैंने आपको एक बताया था कि कैश क्रेडिट होता है कि आपके बैंक में कोई पैसा आ गया आप बता ही नहीं पा रहे हो वो पैसा कहां से आया था उस पर टैक्स रेट है वो सिक्सटी परसेंट से लगता है टोटल सेवेंटी एट परसेंट हो जाता है बट सिक्सटी एट से टैक्स लगता है टोटल सेवेंटी हो जाता है वो कैसे होता है क्या होता है वो अपन आगे जाके देखेंगे हाँ, तो कैश क्रेडिट की जो इनकम है उस पर सिक्सटी परसेंट की रेट से टैक्स लगता है वैसे ही बेटा एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे आप अपना कोई घर बेच देता है कोई ज्वेलरी बेच देता है उसकी इनकम पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगता है एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए करके जो शेयर मार्केट से होता है अगर शेयर मार्केट से आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना उस पर टेन परसेंट की रेट से टैक्स लगता है और एक होता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए करके एक सेक्शन में आता है मतलब मार्क शेयर मार्केट से होता है उस पर टैक्स लगता है फिफ्टीन परसेंट की रेट से उसपे जो टैक्स लगता है वो आपको फिफ्टीन परसेंट की रेट से लगता है लिखो साथ साथ में एल टी उसके नीचे लिखा है एल टी वन वन टू ए और ब्रैकेट में लिखा है शेयर मार्केट टेन परसेंट टैक्स लगता है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वन 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 ए उस पर पंद्रह परसेंट की रेट से टैक्स लगता है Yes, people. ये जो आप बोलोगे सर ये अननोन वाला जो इनकम था कैश क्रेडिट कल तो आप बोल रहे थे इस पर एटी एट परसेंट टैक्स लगता है एटी एट कैसे लगता है पता साठ परसेंट टैक्स है, है उसपे पच्चीस परसेंट सरचार्ज है तो साठ का पच्चीस होता है पंद्रह और चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से तो चार परसेंट होता है पिछहत्तर का चार परसेंट तीन परसेंट तो ऐसा मिला के सेवेंटी एट परसेंट टैक्स रहता है टेन परसेंट पेनल्टी लगती है बट टैक्स रेट है वो साठ परसेंट है एक बात बताऊं ये स्पेशल वाली जो टैक्स रेट है ना ये हम लेटर पार्ट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी आपने जो लिखा है इसको आप भूल जाइए मतलब काटना नहीं है यानी क्या काट ले, काट लेते हैं ठीक है थीके? ऐसा है नहीं जो आपने लिखा है उसको भूल जाइए आज हम बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की कि जनरल टैक्स रेट कैसे लगता है क्या लगता है किसके लिए क्या टैक्स लगेगा तो चलिए अब अपन जनरल टैक्स रेट चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले इन केस ऑफ द आप थोड़ी देर के लिए भले मत लिखिए आप इधर देख लीजिए सबसे पहले केस ऑफ इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बी ओ आई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये जो लोग हैं इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एच यू एफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये वाले लोग वापस इसमें लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ जो भी इंडिविजुअल है एच यू एफ है ए पी है बी ओ आई है या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये जितने भी लोग हैं भले गाइस ये रेजिडेंट है इंडिया के और नॉन रेजिडेंट है मींस इंडिया में ये लोग रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं अब आप बोलोगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कैसे डिसाइड करते होंगे ये आगे आएगा आगे अपन इसका एक अलग से पूरा टॉपिक है कि रेजिडेंट क्या होता है नॉन रेजिडेंट क्या होता है हम जैसे इंडिया में ही पढ़े हैं मैं इंडिया में ही रहता हूं तो मैं रेजिडेंट हूं बट कैसे पता चलता है आप रेजिडेंट बन गए तो उसमें एक रूल होता है कि इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा आप रहे तो आप रेजिडेंट बन जाते हो बाकी वाले लोग हैं वो नॉन रेजिडेंट है तो भले रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो आपको टैक्स कितना लगेगा इंडिया में इधर ध्यान रख देना इंडिविजुअल एच यूएफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो इनके केस में आपकी जो टोटल इनकम है ना वो टोटल इनकम अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक है टोटल इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम अगर अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है तो बाबू इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता ढाई लाख रुपए तक की आपकी इनकम है जैसे आपके पापा की इनकम ढाई लाख रुपए तक है तो ढाई लाख रुपए तक की जो इनकम होती है उस इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा टोटल इनकम इज अप टू टू पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक कोई भी टैक्स नहीं लगता इसको हम इनकम टैक्स में बोलते हैं कि इतना आपका बेसिक है है इतना आपका बेसिक बेसिक कि एग्जामेशन ढाई लाख तक का है और ढाई लाख रुपए तक की इनकम पे आपकी कोई भी टैक्स रेट नहीं आती निल टैक्स रेट है दूसरी चीज आपका टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम अगर आपका ढाई लाख रुपए से ज्यादा है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है और अप टू फाइव लाख रुपए हाँ तो देख टोटल इनकम अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है टू फाइव लैख तक है तो उसपे फाइव परसेंट टैक्स लगेगा अगर किसी पर्सन की जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम अगर फाइव लैख से ज्यादा है तो फाइव लैख लेक से लेके और टेन लैख तक की जो इनकम रहेगी उसपे आपको ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा और टेन लैख से जितनी भी ज्यादा टोटल इनकम रहेगी टोटल इनकम जो टेन लैख से जितना भी ज्यादा रहेगा उस पर आपको थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा ना आपके मन में एक डाउट आया सर आप बोल रहे हो कि ढाई लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन सर हमने तो यह सुना था कि पांच लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता हमने तो यह सुना था कि सात लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता हमने तो कहीं कहीं ऐसा सुना था कि सर तीन लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता अब बेसिक एग्जामेशन तीन लाख हो गया है तो वो सब क्या है सर थोड़ा टाइम दे दो भैया थोड़ा टाइम दे दो थोड़ा आराम से रहो जैसा जैसा मैं पढ़ाता हूं सुनते जाओ आपके जितने मन में डाउट आ रहे हैं कि हमने तो सुना था सात लाख तक टैक्स नहीं लगता पांच लाख तक टैक्स नहीं लगता तीन लाख तक टैक्स नहीं लगता वो सब क्या है सब आ जाएगा अभी जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप उस पर ध्यान दे दीजिए और यहां पे सबसे पहले कि इंडिविजुअल एच यू एफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता आपकी टोटल इनकम है वो अप टू ढाई लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ढाई लाख से लेके और पांच लाख तक पांच परसेंट पांच लाख से लेके दस लाख तक बीस परसेंट और दस लाख से ज्यादा वाले पे तीस परसेंट लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना अगर कोई पर्सन है वो सीनियर सिटीजन है अब एक बात समझना पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं केस ऑफ सीनियर सिटीजन एक बात बताओ सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं अगर कोई पर्सन है वो सीनियर सिटीजन है लेकिन सीनियर सिटीजन बोलेंगे किसको सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे क्या बोलेंगे आपने क्या बोला 60 60 और अबो कब होना चाहिए 60 और अबो एज में कौन सी डेट को एज भाई इनकम टैक्स में अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है मैं पहले आपको बता दूं कोई भी पर्सन अगर सीनियर सिटीजन है ना तो उसमें उसकी जो टोटल इनकम है वो अप टू थ्री लैख ,00 तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता उसको थ्री ,00 लैख ,00 ,00 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता इनकम जो थ्री लैख से ज्यादा है एंड अप टू फाइव लैख ,00 तक की इनकम है उस पर फाइव परसेंट लगेगा और फाइव लैख से ज्यादा इनकम और अप टू टेन लेख तक की इनकम है उस पे उसको ट्वेंटी परसेंट लगेगा और टेन लेख से जितना भी ज्यादा इनकम है उस पे उसको थर्टी परसेंट बट सीनियर सिटीजन बोलेंगे किसको सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे तो क्या इसको लॉ में डिफाइन कर रखा है आंसर इज यस इनकम टैक्स क्या बोलता है सीनियर सिटीजन के बारे में इनकम टैक्स बोलता है सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल एज सिक्सटी ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर मिस जो आपका प्रीवियस ईयर है उस ईयर में अगर किसी बंदे की एज सिक्सटी ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है उसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन तो सीनियर सिटीजन मींस ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 इयर्स और मोर हो गई है प्रीवियस ईयर में उसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे अब एक चीज समझना ऑनलाइन वालों इधर देखो यहां पे वर्ड यूज हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर होबो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर होबो ये होबो है ठीक है होबो और होबो जो है ना वो यूएसए का रहने वाला है और यूएसए का रहने वाला है तो इंडिया के लिए वो नॉन रेसिडेंट हो गया वो यूएसए में ही पढ़ा है इंडिया से उसको कुछ थोड़ा बहुत इनकम हुआ है और उसकी जो उम्र है उसकी जो एज है वो सेवेंटी एट है क्या वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा या नहीं आंसर इज और नो नो वाई नो बिकॉज यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए रेजिडेंट का मतलब क्या होता है वो आगे जाके अपन पढ़ लेंगे बट अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है इधर देखो रे अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है भले उसका एज सेवेंटी एट है सिक्सटी ईयर्स या उससे ज्यादा है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है और जब सीनियर सिटीजन नहीं है इसका मतलब इसको बेसिक एग्जामिशन ढाई लाख का ही मिलेगा और टैक्स रेट इसी रेट से लगेगा ये जो तीन लाख का बेसिक है ना, वो इसको नहीं मिलेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है समझना अब इसका आंसर जो सही करेगा उसको चॉकलेट इधर दो देखो लॉ में वर्ड यूज हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज इयर्स और मोर कौन से होना चाहिए Previous year, previous year में होना चाहिए एक बात बताओ, अपना previous year कौन सा है अपना अपना तो 23, 24, इसका मतलब मैं बोलू, अपना previous year चालू फर्स्ट अप्रैल दो हजार 2023 से लेके और थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी अंकल है जिनकी एज साठ साल हो गई वो सीनियर सिटीजन साठ या साठ से ज्यादा इस ईयर में किसी की भी हुई साठ साल वो सीनियर सिटीजन है अब एक बात समझना एक इंटरेस्टिंग सा केस आता है जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका मिस्टर काका काका का जन्म हुआ था बर्थडे था फर्स्ट अप्रैल 1964, 1st फर्स्ट अप्रैल 1964 इस दिन को जन्म हुआ था काका का ऑनलाइन वालों, काका का जन्म हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1964 को तो मुझे बताइए ये काका अपना सिक्सटिय बर्थडे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करेंगे सिक्सटियथ बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट अप्रैल 2024 इस दिन वो अपना साठवा जन्मदिन मना रहे हैं जन्मदिन हम उसी दिन मनाते हैं जिस दिन अपना जन्म हुआ था भाई सीधी सी बात है अगर मेरा बर्थडे 10 दिसंबर को आता है। किसी को और का आता है 10 दिसंबर एनी वन फ्रॉम 10 दिसंबर 10 दिसंबर भाई भाई ठीक है हाँ तो मेरा बर्थडे 10 दिसंबर को आता है तो मैं मेरा बर्थडे टेन दिसंबर को ही मनाऊंगा अब यहां क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि ये जो काका है अपना सिक्सटियथ बर्थडे यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं यहां फर्स्ट अप्रैल 2024 को सिक्सटियथ बर्थडे मना रहे हैं इस दिन ये केक काट रहे हैं सब लोग इनको विशेष दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू एंड ऑल सब गाना वाना गा रहे हैं मेरा क्वेश्चन आपसे ये है के काका सिक्सटी इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कब माना जाएगा जिस दिन आप बर्थडे मनाते हो उसी दिन माना जाता है या उसके पिछले दिन एज कंप्लीट हो गया आज तो नया साल चालू हुआ है मुझे नहीं पता आप बताइए मुझे नहीं पता आप बताइए क्या जिस दिन आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है उसी दिन माना जाता है कि आपका इतना एज हो गया जैसे मान लो आप अठारह साल के पूरे हुए आपका बर्थडे जिस दिन दिन केक काटते हो उसी दिन एज कंप्लीट होता है या उसके पिछले दिन हो गया आज से तो नया साल लग गया है क्योंकि अगर मान लो इसमें आप यह मानते हो कि काका का 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हुआ इस दिन ही फर्स्ट अप्रैल 2024 जिस दिन वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे उसी दिन 60 साल कंप्लीट हुआ तो पिछले साल 60 साल नहीं थे तो इस साल का बेसिक एग्जामिशन फिर आपको ढाई लाख का ही मिलेगा लेकिन अगर आप यह मानते हो कि नहीं यहां तो लिखा है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज और मोर इन द प्रीवियस ईयर इसका कंप्लीट इस दिन हो चुका है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इस साल की इनकम पे हायर बेसिक एग्जामिशन तीन लाख का बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगा आप बताओ पर्टिकुलर एज कौन सी डेट को कंप्लीट होती है जिस दिन बर्थडे मनाते हो उसी दिन या उसके पिछले दिन जिस दिन आप बर्थडे मनाते हो उसी दिन या उसके पिछले दिन ऑनलाइन वालों बताओ ऑनलाइन वालों बताओ जिस दिन बर्थडे मनाते हो उसी दिन या उसके पिछले दिन एक ऑनलाइन वाला बोलता है अगले दिन ठीक है क्या पागल बच्चा है अरविंद बोलता है अगले दिन अगले और पिछले में कंफ्यूज हो जाता है ना कौन से दिन की बात हो रही है ठीक है बताओ कौन से दिन हाँ जिस दिन चलो एक काम करते हैं इडियट जीनियस करते हैं वोटिंग करवाते हैं जो वोटिंग में जो मतलब सही रहेगा वो सही रहेगा फिर और क्या है चलो देखते हैं कितने लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर एज कंप्लीट उस दिन होगी जिस दिन हम बर्थडे मना रहे है? रेज हैं रेज योर हैंड रेज योर हैंड बर्थडे मना रहे उसी दिन हम 18 साल तो 18 साल कंप्लीट उस दिन माने जाएंगे जिस दिन बर्थडे मना रहे हैं चलो हाथ नीचे करो कितने लोग बोलते हैं कि नहीं सर जिस दिन बर्थडे मना रहे हैं उस साल से तो नया साल चालू हो चुका है उसके पिछले दिन 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो चुका है रेज योर हैंड रेज योर हैंड हैं। हाँ क्या हुआ मिड को क्या करना है ये कुछ बोल रहा है बोल 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 हम भावनाएं समझ रहे तेरी क्या बोल रहा है क्या मिडनाइट को क्या हुआ हाँ, हाँ भाई बोल बोल कुछ बोल रहा है अरे वो कुछ अच्छा बोल रहा है यू नो दैट हाँ हाँ बोल थर्टी फर्स्ट की मिडनाइट को कंप्लीट होगा यस yes, यस भाई डिस्कशन yes. हाँ, हाँ. कर लिया आप सब लोगों ने अब अपना डिस्कशन जो है वो अपने पास रखो अब लेट मी डिसाइड करके क्या क्या होगा ये मैटर जो है ना इतना इजी नहीं था ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया इतना इजी थोड़ी इतना मतलब तुम लोग जजमेंट मतलब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सा रूल बताया कि एक बात बताओ जब भी आप कोई भी पीरियड कैलकुलेट करते हो तो वो पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हो जैसे मान लो कोई पीरियड चालू हो रहा है 16 जुलाई दो से तो मुझे बताइए एक साल कंप्लीट कब होगा आपको यह बताना है कि एक साल कंप्लीट कौन सी डेट को माना जाएगा पंद्रह जुलाई दो हजार चौबीस को होगा ना भाई जब आप पीरियड की बात कर रहे हो यू टॉक अबाउट एनी पीरियड सो वेन एनी पीरियड इज स्टार्टेड फ्रॉम द 16 ट्वेंटी थ्री देन वन ईयर का टाइम लिमिट कंप्लीट होता है पंद्रह जुलाई दो हजार चौबीस को मीन एक साल कंप्लीट होता है exactly एग्जैक्टली इस डेट के पिछले डेट को अगले साल के क्या बोला मैंने <laughs> तो सोलह जुलाई को कोई पीरियड चालू हुआ तो वन ईयर कंप्लीट होता है वो फिफ्टीन जुलाई दो हजार चौबीस को होता है तो इसी को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी पर्सन का बर्थ है वो अप्रैल को हुआ था तो इसका एक साल थर्टी फर्स्ट मार्च को कंप्लीट होगा और फर्स्ट अप्रैल से नया साल चालू होगा तो यहां पे इन्होंने बोला कि ये जो बंदा है मिस्टर काका ये अपना 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर चुका है ऑन थर्टी मार्च 2024 और इस साल में इसको हायर बेसिक एग्जाम का बेनिफिट मिल जाएगा फिर यह सीबीडीटी ने भी क्लेरिफिकेशन दिया और सर्कुलर निकाला उन्होंने कि ऐसा ही होगा आप टेंशन मत लो कि जिसका बर्थ डेट फर्स्ट अप्रैल 1964 है तो वो 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट थर्टी मार्च 2024 को करेगा इसका मतलब इस प्रीवियस ईयर में उसका सिक्सटी ईयर हो चुका है और उसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा God. उसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा तो ये एग्जामिनर ऐसा आपको देगा एग्जामिनर एक ऐसा केस बनाएगा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें ऐसा लिखेगा कि मिस्टर काका डेट ऑफ बर्थ इज फर्स्ट अप्रैल और फिर पूरा क्वेश्चन देगा और आपसे बोला जाएगा उसकी इनकम निकालो टैक्स निकालो टैक्स निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बंदा सीनियर सिटीजन है अगर अप्रैल जन्म हुआ था तो आपका 60 इयर्स ऑफ एज इस डेट को कंप्लीट होगा तो इसका मतलब ये इस साल सीनियर सिटीजन है और इसके लिए बेसिक एग्जामिशन थ्री लैख का लगेगा अब बच्चे बोलेंगे कि सर अगर फर्स्ट अप्रैल की जगह मान लो सेकेंड अप्रैल 1964 को हुआ था तो तो बाबू गल तो, तो फिर क्या होगा इसका कब कंप्लीट होगा ऑफ एज अप्रैल को होगा हाँ भाई। अगर किसी का बर्थ अप्रैल 1964 को हुआ था तो तो फिर 60 इयर्स वो अप्रैल 2024 को होंगे मतलब इस साल में वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसको बेसिक एग्जामेशन ढाई लाख का ही मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट अरे बोलो यस और नो तो देखो मैंने क्या पढ़ा है अभी तक क्विकली रिवाइज करते हैं सबसे पहले हम पढ़ रहे जनरल टैक्स रेट इन या नॉन रेजिडेंट ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता दस लाख बीस परसेंट दस लाख के ऊपर तीस परसेंट सीनियर सिटीजन केस में सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज सिक्सटी ईयर या उससे ज्यादा हो चुका है प्रीवियस ईयर में उसके लिए तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता मीन अपू थ्री बेसिक एग्जामेशन तो जो थ्री लाख है ना इस थ्री लाख को हम बोलते हैं ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट अब एक और पर्सन आता है सुपर सीनियर सिटीजन अब आप बोलोगे ये कौन होता है एक और पर्सन आता है इंडिविजुअल में इज सुपर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं बताए है? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर में जिसका 80 साल या उससे ज्यादा हो चुका है मींस अभी जाने की तैयारी है अस्सी साल या उससे ज्यादा हो चुका है तो उस पर्टिकुलर केस में उसके लिए टोटल इनकम जो है ना वो टोटल इनकम अगर पांच लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा दिस इज कॉल योर बेसिक एग्जामेशन इसके केस में पांच लाख का बेसिक एग्जामेशन है और टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा है अप टू 10 लाख तक की जो इनकम है उस पे सीधा 20% की रेट से टैक्स लगेगा और 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम है उस पे सीधा 30% की रेट से टैक्स लगेगा इसके केस में भी वो फंडा देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो काका जो है उसका बर्थ हुआ था 44 में 1944 में हुआ था तो ये 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो 80th बर्थडे ये सेलिब्रेट कर रहा है 14 2024 को 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो भी हम मान लेंगे कि इसका 80 साल का एज कंप्लीट इस डेट को हुआ था और इस साल के लिए इसको हायर बेसिक एग्जंपशन ऑफ द 5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा तो चलो हमने अभी तक टैक्स रेट पढ़ा बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ

अप टू थ्री लैख डैश पे डैश थ्री लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट एंड सुपर सीनियर सिटीजन जिसका रेजिडेंट इंडिविजुअल एज कितना होना चाहिए एटी इयर्स और मोर क्या करने का अप अपटू फाइव लैख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा फाइव लैख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट एक बार वापस से बोलते थे ठीक है थीके? बंद करके एक बार आग बंद करके वापस से बोलेंगे ठीक है अपन पढ़ रहे जनरल टैक्स रेट बोलो जनरल टैक्स रेट जनरल टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर फोर ट्वेंटी, फो ट्वेंटी, फो ट्वेंटी फाइव सबसे पहले इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मैंने इसमें कंपनी को नहीं लिया पार्टनरशिप फर्म को नहीं लिया लोकल अथॉरिटी को नहीं लिया उनके लिए अलग टैक्स रेट है अब अपन बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल एच एर्टिफिशियलिकल पर्सन की भले वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो अप टू कोई टैक्स नहीं लगेगा टू फिफ्टी टू फाइव लैख परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज सिक्स और मोर अप टू थ्री लैख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा थ्री लैख टू फाइव लैख

कॉपी करना चालू करिए जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है कॉपी करिए हाँ हाँ क्या हुआ हाँ हाँ बोला पासपोर्ट में भी ये रूल लगता है नहीं अठारह साल का पूरे होते हैं उसी दिन या उसके अगले दिन आई डोंट नो अबाउट दैट मे बी डोंबाउट लॉ फॉर द पासपोर्ट कैलकुलेशन बट इनकम टैक्स बेसिक के लिए सीबीडीटी ने एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि आप एक दिन पहले मान लिया जाएगा कि आपका इतना एज हो चुका है उस दिन से नया अगली साल से अपन क्या करेंगे अपन एक दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्या लगता है आपको क्योंकि भाई आपका एज तो उस दिन पूरा हो गया है ना दोनों दिन करेंगे वाह ये भाई दोनों दिन करेगा गरीब आदमी देखो एक बार हमारे गांव में हमारा बर्थडे ही नहीं होता था बर्थडे पता ही नहीं रहता था बर्थडे कब आता है तुम लोगों को तुम तुम तो ऐसे बड़े लोगों ना। तुम ऐसे बड़े लोग हो ना ना सेलिब्रेट वगैरह करते करते होंगे क्या हैं भाई साहब यहाँ पुणे में आने के बाद ये यहाँ के बच्चे जो है पुणे में आने के बाद ऐसे पता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमाते हैं और हम जो छोटे थे ना मैं मैं गली में टायर घुमाता था पता तुमको एक टायर लेके और एक वो डंडी लेके और पूरी गली में वो टायर घुमाता था, था तुमने भी टायर घुमाया क्या नहीं घुमाया हिमांशु बोल रहा है कि सर ये ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम क्या है रुक जा सब आएगा हाँ तुम्हारा ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम क्या है ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम सब आएगा अच्छा मेरे को एक बात बताओ कोई कोई खजूर लोग है जो ये बोल रहे हैं कि सर एच यूएफ सीनियर सिटीजन होगा कि नहीं होगा या एओपीबीआई सीनियर सिटीजन होगा या नहीं होगा एक बात बताओ ये बी और सी पॉइंट जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है या सबके लिए है हाँ, खजूर बच्चों एक बात बताओ ये जो बी और सी पॉइंट है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है या फिर एच यूफ एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल उसके लिए भी है हाँ? मैं सच्ची है ना ऐसे तुमने आंसर किया ना करके ठीक है क्या सर ये एओपी बीवाई के लिए भी है तो मैं विधवा हो जाऊंगा ऐसा मत करो यार ऐसा मत करो ना हाँ क्या क्यों दिए जाते मतलब क्या क्यों दिए जाते हैं बोलो डन कितना जमा जमा के लिख रहे हो जमा जमा के Yes, people. एक बच्चा बोलता है मैं तो माइनर मैं जो भी इनकम कमाऊंगा क्या सब एग्जेम उस पर टैक्स नहीं लगेगा लगेगा ना क्यों नहीं लगेगा देखो क्या होता है माइनर की जो इनकम है ना उसपे टैक्स नॉर्मली पेरेंट्स को भरना पड़ता है बट अगर माइनर खुद ही टैलेंटेड है मतलब खुद की स्किल से कमाया टैलेंट से कमाया जैसे मान लो ये माइनर है बच्चा क्या नाम है सार्थक सार्थक गया ट्रेन में और ट्रेन में जाके और गाना गाता है करके ठीक है ट्रेन में जाता है दो पत्थर हाथ में लेता है गाना गाता है पहला गाना सिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली दूसरा गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं और तीसरा गाना गाता है कि साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकर आ रहा है फिर सारे में भी गया वहां पे भी ये गाना गाए तो उससे जो इनकम मिलेगी ना उस पर टैक्स लगेगा बट पेरेंट्स के हाथ में नहीं लगेगा इसके खुद के हाथ में लगेगा तो आप लोग माइनर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनर को टैक्स नहीं लगता लगता है तुमको टैक्स ठीक है समझा हाँ ठीक है चलिए इसके बाद में ये आपने लिख लिया ना अरे बोलो डन अरे ऑनलाइन वाले बच्चे खजूर बच्चों बोलो डान सर हम लिख रहे हैं सर चलो टैलेंट क्या होता है टैलेंट क्या होता है अभी टैलेंट तुम जो लिख पा रहे हो यही टैलेंट है तुम्हारा सार्थक ओपी ओपी, ओपी मतलब क्या होता है ओवर पावर ओ ये क्या होता है अच्छा मेरे को समझ में ही नहीं आता है जैन जी टर्म से मतलब क्या है आजकल तुमको भी नहीं समझता ना ये बनाता कौन है लेकिन क्या ओपी चलो अब है ना वो सिक्सटी इयर्स वाले का लिख लेते हैं तो सिक्सटी इयर्स वाले के लिए और एटी इयर्स वाले के लिए आप ऐसा लिखिए यहां पे एक साइड में लिखिए यहां डेट ऑफ बर्थ कि किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो बेसिक एग्जामिशन इस साल में कितना मिलेगा बेसिक एग्जामिशन फॉर प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस या असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस डेट ऑफ बर्थ तो बेसिक एग्जामिशन फॉर प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस ब्रैकेट में असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट अप्रैल 1964 है तो इस साल में उसको बेसिक एग्जामिशन तीन लाख का मिलेगा मीन्स ये माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 60 इयर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस एंड किसी का एज फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फोर्टी फोर है तो उसका इस साल में बेसिक एग्जामेशन पांच लाख मिलेगा और यह माना जाएगा ही हैज कंप्लीटेड एज ऑफ एटी ईयर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2024, यस yes. क्या बात कर रहे हो YouTube पे लैग हो रहा है क्या एक सेकेंड है बेटा नेट ही नहीं आ रहा है क्या कोई बच्चा बोल रहा है सर आप सीनियर सिटीजन हो या नहीं आई एम सुपर सीनियर सिटीजन वन सुपर सीनियर सिटीजन अरे रहा है अब इसमें मैं क्या करूं यार वो बंदा गया कहां गया यार क्या हुआ मेरा मोबाइल कहाँ गया यार मैं किसको कॉल लगाऊँ अब विशाल सर को सीधा विशाल सर को कॉल लगाता हूँ अरे भाई यहाँ वो, वो श्री का नंबर नहीं है ना मेरे पास उस बंदे का नाम क्या श्री ऑनलाइन वाले रुकना ऑनलाइन वाले बेचारे भी तो तो अब सही है है पे तो भी आ रहा हेलो 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 चेक 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 वन टू थ्री वन टू थ्री माइक टेस्ट सही आ रहा है अभी अभी सही आ रहा है अरे तू मत देखना ज्यादा लोग देखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना ऐसा ही होता होगा ना हाँ हाँ प्लीज यस पीपल प्लीज ऑन ऑनलाइन वाले बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चे बस अब सही है सही है सही है सही है अरे यस yes, पीपल चलो इधर देखो मेरी तरफ देखो अभी तक जो पढ़ा सब लोग ऑनलाइन वाले यूट्यूब वाले इधर देखो सब लोग सब लोग इधर देखो हाँ तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक जो पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने चालू किया जनरल टैक्स रेट बोलो जनरल टैक्स रेट और जनरल टैक्स एक्ट कहा दे रखा है फिनेंस एक्ट 2023 इस में इसमें क्या दे रखा है सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ यू एओपी बी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अगर आपका टोटल इनकम है वो अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके फाइव लैख ले फाइव परसेंट फाइव टू टेन लैख ट्वेंटी मोर देन टेन लैख थर्टी

तो ये माना जाएगा कि वो इक साठ साल का हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस को और इस साल हायर बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगा और किसी का डेट ऑफ बर्थ ये फोर्टी फोर है फर्स्ट अप्रैल नाइन फोर्टी फोर मान लिया जाएगा एटी ईयर्स का हो गया है और इस साल उसको हायर बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगा अब इधर देखना बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है सरचार्ज क्या बोला जाता है बोलो सरचार्ज 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 क्या होता है बताए सरचार्ज नाम से पता चलता है सरचार्ज सरचार्ज मतलब सरचार्ज मतलब नाम से मतलब पता चल रहा है सरचार्ज सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा टैक्स तो आप बाबू जो है ना ये टैक्स तो भरोगे ही भरोगे अब तो आपको सरचार्ज भी लगेगा बट सरचार्ज हर किसी को नहीं लगता जो लोग रिच लोग हैं जो लोग पैसे वाले लोग हैं पैसे वाले लोगों को सरचार्ज लगता है अब आप बोलोगे पैसे वाले लोगों को सरचार्ज लगता है इसका मतलब क्या हुआ इधर देखिए पैसे वाले लोगों को सरचार्ज लगता है मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपका जो टोटल इनकम है ना टोटल इनकम वो अगर अप टू फिफ्टी लैक्स है तो आपको जो सरचार्ज है वो सरचार्ज नहीं लगेगा मतलब किसी का इनकम पचास लाख तक ही है तो बोला तुमको कोई सरचार्ज नहीं तुम लोग गरीब में आते हो तुमको कोई सरचार्ज नहीं जो टैक्स आता है वो भर दो जो टैक्स आता है इतना भर दो बहुत है करके ठीक है पांच परसेंट दस परसेंट पांच परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट ये भरो और ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपकी जो टोटल इनकम है इफ टोटल इनकम जो आपकी है वो मोर देन फिफ्टी लैक्स है बट अप टू वन करोड़ है मींस आपकी टोटल इनकम पचास लाख से ज्यादा हो गई लेकिन एक करोड़ तक है आपकी टोटल इनकम थोड़े अमीर हो मतलब अमीर के ज्यादा ही अमीर हुए पचास लाख ,00 से एक करोड़ तक कमा रहे हो इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जोटिकल पर्सन तो है ना आपको सरचार्ज लगेगा और सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा पता है टेन परसेंट ऑफ टैक्स मतलब जो तुम्हारा टैक्स आएगा उस टैक्स पे टेन परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा पहले टैक्स निकाल दो टैक्स में दस टका और जोड़ दो मीनस टैक्स में दस टका और जोड़ दो लेकिन अगर मान लो आप तो और पैसे वाले हो इफ आपकी टोटल इनकम जो है वो वन करोड़ से ज्यादा है और अप टू टू करोड़ है मींस एक करोड़ से ज्यादा दो करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज लगेगा फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टैक्स जो टैक्स आएगा उस पर पंद्रह टका सरचार्ज लगेगा और अगर आपकी इनकम जो है वो दो करोड़ से भी ज्यादा है और पांच करोड़ रुपए तक आप कमा रहे हो तो आपको सरचार्ज लगेगा पच्चीस परसेंट टैक्स का जो टैक्स आएगा उस पर पच्चीस परसेंट सरचार्ज लगेगा और अगर आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो और आपकी इनकम पांच करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा सैतीस परसेंट थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगेगा जो टैक्स तो आएगा ही आएगा उस टैक्स पे आपको जो सरचार्ज है वो सरचार्ज आपको जो है वो सैतीस परसेंट की रेट से लगेगा आप बोलोगे कि सर कितना टैक्स लग रहा है उसके ऊपर सरचार्ज और लग रहा है तो टैक्स की रेट जो है वो तो ये है तो लाग, 5%, 5 लाग के ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं ढाई लाख से पांच लाख पांच परसेंट पांच लाख से दस लाख बीस परसेंट दस लाख के ऊपर तीस परसेंट लेकिन बेटा आपको सरचार्ज भी लगता है और ये सरचार्ज है ये कब लगेगा किसको लगेगा समझने की कोशिश करना कि अगर आपकी टोटल इनकम पचास लाख तक ही है तो नॉर्मल टैक्स निकाल दो बस बस आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं भरना बट आप तो ज्यादा कमा रहे हो पचास लाख से ज्यादा कमा रहे हो एक करोड़ तक आपकी इनकम है तो पचास लाख से लेके एक करोड़ तक इनकम है तो जो भी टैक्स आएगा ना उसपे दस परसेंट और जोड़ना है अगर आपकी इनकम है वो वन करोड़ से लेके टू करोड़ तक है तो जो टैक्स आएगा उस पर पंद्रह परसेंट जोड़ो सरचार्ज अगर आपकी इनकम दो करोड़ से पांच करोड़ है तो आप पच्चीस परसेंट जोड़ो और अगर आपकी इनकम पांच करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको सैतीस परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा सैतीस परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा सैंतीस परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा अब ये सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा इसके बाद में आपको एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट ऑलवेज एप्लीकेबल ये आपको लगेगा ही लगेगा ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी सरचार्ज अगर है तो अदरवाइज जो टैक्स आएगा उस पर आपको चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा एक बात बताऊं आज अगर कोई बंदा पांच करोड़ से ज्यादा कमाता है तो उसको इंडिया में कितना टैक्स भरना पड़ता है पता है जैसे मान लो किसी की इनकम जो है एग्जाम्पल रुको थोड़ी देर कॉपी करने के लिए रुक जाओ हाँ रुको मिलेगा सबको टाइम मिलेगा ये कुछ बच्चे क्या है न? होते हैं ना इतने बेशर होते हैं ना ये हाथों हाथ कॉपी करते हैं कॉपी करते हैं सर जब टाइम देंगे तब हम इधर उधर देखेंगे ठीक है ऐसे खजूर बच्चे होते हैं ना ये लोग क्या करते जब पढ़ा रहे होते हैं ना जब सर समझा रहे हैं ये दो दो काम करेंगे बोले समझेंगे भी और लिखेंगे भी नहीं तो लेट हो जाएगा ना फिर उसको नोटबुक भी तो देना है जो नहीं आई है आज और उसी बहाने तो मोबाइल नंबर मिलेगा मेरे साथ आईपीसीसी में क्या हुआ पता है मेरी स्टोरी मेरी इंटरमीडिएट की स्टोरी बताता हूँ तो मैं इंटरमीडिएट में था तो मुझे वहां पे कोई महिला मित्र पसंद आ गई अच्छा फ्रेंड एज अ फ्रेंड पसंद आई उस टाइम ठीक है कि भाई चलो फ्रेंडशिप करते हैं तो फ्रेंडशिप करते हैं तो अरे ये बोलता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट भाई हम छोटे थे उस टाइम हमको पता ही नहीं था हम तो वही मानते थे करके ठीक है जैसे मम्मी बोलती थी तुम कहां से आयो बोले भगवान जी छोड़ के गए थे घर पे तो तो भाई साहब तो भाई साहब तो, तो क्या हुआ तो लाइक like, हम मैं इंटरमीडिएट में था सीपीटी क्लियर हुआ इंटरमीडिएट में था तो अब वो महिला मित्र से बात करनी बात कैसे करनी तो मैं एक दिन मैंने मेरा क्लास बंक हो गया था मैंने जानबूझ के नहीं किया था मैंने एक भी क्लास बंक नहीं किया था बट वो मैंने हो गया था मेरा ऑफिस का काम था पहले आर्टिकलशिप होती थी सीपीटी के बाद तो क्लास बंक हो गया मैंने दूसरे दिन उससे कॉपी मांग ली मैंने कहा अकाउंट का, का नोटबुक है क्या कल तुम आई थी तो वो आगे ही बैठती थी मैं वहीं पर बैठता था तो मैंने उसने बुक बोला हाँ मैं आई थी तो मैंने कहा बुक दे दो बुक दे दिया अब बुक मैं घर पर लेके गया मैंने होमवर्क वगैरह पूरा किया अब दूसरे दिन वापस जब अकाउंट का लेक्चर था तो मेरे को कॉपी भूल के आना था तो मैं भूल के आ गया मेरे को नोटबुक भूल के आना था मैं भूल के आ गया उसने मांगा कि यार वो नोटबुक कल दिया था वो नोटबुक दो तो मैंने कहा ओ भाई साहब यार वो तो मैं भूल गया हॉस्टल में तो मुझे याद दिलाना था ना तो बोलती है मैं कैसे याद दिलाती मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है मैंने लिखो तो मैंने बोला लिखो तो बोली बोलो तो लिखा मैंने कहा मॉर्निंग में तुम मैसेज कर लेना करके ठीक है कि मैं मॉर्निंग में मतलब छह बजे मैसेज कर लेना तो मैं बैग में रख लूंगा मॉर्निंग में उनका मैसेज आया उन्होंने तो एक ही किया था मैसेज एक मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग में हर रोज करता था <laughs> मैं हर रोज गुड मॉर्निंग करके ठीक है हाँ तो बट बेटा देर वॉज नो बेनिफिट एट ऑल या भाई साहब फिर आईबीसी मेरा पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं हुई ठीक है हां मेरे मैसेज के कारण नहीं हुई भगवान हां मैं वो मतलब मैं हो गया पहले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप करके ठीक है वो नहीं हुई मैं क्या करूं भाई मैंने उसको बोला मैं तुझे पढ़ावड़ा लू करके ठीक है बोली नहीं मैं पढ़ लूंगी <laughs> हाँ भाई अब वो सीए बन गई डोंट वरी करके ठीक है हाँ हाँ अब बोलती है उसके बच्चे आपसे पढ़ रहे होंगे कुछ भी उसकी शादी नहीं हुई अभी तक अभी भी नंबर है मतलब वो तो महिला मित्र थी सिर्फ नंबर क्यों नहीं होंगे चलो अब आवाकी का अपन अगले सेशन में बात करेंगे ठीक है क्या था क्या नहीं था कैसे था बट मैं ऐसे बताया इंटरमीडिएट में नंबर ऐसे एक्सचेंज करने होते हैं तो तुम भी देख सकते हो करके ठीक है कि मेरा हो रहा था, आप दे दीजिए एक बार नोटबुक करके ठीक है ये बैठा था इसका नंबर ले ले तू अब तो अलाउ भी है तुमको ठीक है एक बात बताओ एक... ये बोलते हैं तो मैं आपको बोल रहा था कि बाबू आज की डेट में टैक्स कितना लगता है पता है मतलब दिल दिल पे दिल जलता है टैक्स कितना लगता है करके ठीक है कोई बंदे की इनकम जो है ना मान लो सात करोड़ है ठीक है तो वो इनकम पे उसको टैक्स कितना लगेगा अगर आप टैक्स रेट देखोगे तो टैक्स रेट तीस परसेंट तो लगता ही है भाई पहले वो पांच परसेंट फिर बीस परसेंट फिर तो तीस परसेंट ही है और वो तो दस लाख तक ही है स्लैब तो उसके बाद तो तीस टैक्स अब किसी का पांच करोड़ से ज्यादा इनकम है तो आप सोचिए उस पर सरचार्ज कितना लगेगा सैतीस परसेंट हाँ, तीस परसेंट का सैतीस परसेंट कितना होता है इसमें सैतीस परसेंट आप तीस परसेंट में ऐड करेंगे और जो भी इसकी आएगी इस टोटल इसमें चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए कितना टैक्स आता है फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट फोर्टी थ्री परसेंट टैक्स भरना पड़ता है आज की डेट में निर्मला सीतारमण जी के जमाने में अगर कोई पांच करोड़ से ज्यादा तो बच जाता है उसमें कहीं खर्चा करो तो जीएसटी और भरना पड़ता है अगर कोई भी खर्चा करो तो जीएसटी और भरना पड़ता है तो अभी थोड़े दिन पहले वो अश्नि ग्रोवर का एक वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसमें वो बोलता है इलेक्शन लड़ा मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना तो मैं टैक्स को सब एकदम कम कर दूंगा और सीधा कितना बीस परसेंट लूंगा बस परसेंट भरोस परसेंट भरोसेंट टैक्स बोले आपको ऐसे 43 लग रहा है आप सोचिए अगर आपको इसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो आप साल के पांच महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो आप फोर्टी टू परसेंट कितने परसेंट होते फोर्टी टू परसेंट महीने बारह महीने होते हैं तो बारह महीने का फोर्टी करो कितना आता है पांच महीने तो पांच महीना साल में आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो ऐसा उसने बोला था अब उससे मैं सहमत हूं या नहीं आई डोंट नो करके ठीक है मैं नहीं बता सकता बट गवर्नमेंट इतना आजकल क्या होता है ना अगर ऐसा कुछ भी बोल दे कि भाई गवर्नमेंट ऐसे कैसे टैक्स लगा रही है लोग वायरल करा देते हैं करके ठीक है कल पता नहीं एक प्रोफेसर बेचारे ने कुछ ऐसा बोल दिया था ठीक है उसको निकाल दिया ऑर्गेनाइजेशन से लोग ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया कि टैक्स ज्यादा है बहुत अच्छा है जो भी है मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं ठीक है मैं तो उन्हीं का सपोर्ट आप ही को वोट करूंगा ठीक है मुझे रहना है जिंदगी में मुझे पढ़ाना है और खुश रहना है करके ठीक है तो दिस इज द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया चलिए आप इसको कॉपी करिए फिर अपन कुछ एग्जाम्पल करते इसको कॉपी करिए मैंने लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी कलयुग या कलयुग हा कलयुग उस पर बोला हो भाई साहब नया नया बंदा आया है बाहर से और अभी से दिमाग में क्या फ्रेंड्स विद बेनिफिट हम तो ऐसा हमको पता ही नहीं था एक बार गूगल करना पड़ा था पता चला ऐसे किसी का है ना क्लास में ऐसे एग्जाम्पल वगैरह ले ले अगर मान लो किसी को ऐसा कुछ बोल बोल दे तो बुरा नहीं मानने का ठीक है जो भी अपन बातें करेंगे एग्जाम्पल लेंगे वो काल्पनिक घटनाओं से आ, पे आधारित है उसका आपके मेरे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है अगर किसी के वास्तविक जीवन से लेना देना है तो यह मात्र एक संयोग हो सकता है उससे ज्यादा नहीं कर लिया ना? वेरी गुड चलो कितने लोग स्टिल डूइंग फटाफट हाँ, कोई बात नहीं हाँ आराम से हाँ ज्यादा पैसे कमाना पाप कहा हुआ पैसे कमा के उसमें से देना है थोड़ी घर से ले जाके देना है कराओ ना कमाओ कमाओ ये बोलता कोई क्यों कमाएगा मैं कमाने को तैयार हूं मुझे दो पचास करोड़ मैं टैक्स भरने को भी तैयार हूं मैं मेरा इनकम लास्ट ईयर का था कुछ पौने छह लाख फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये जो बच्चे क्या करते पता है बच्चे जैसे क्लास में आए ना सबसे पहले ये निकालते अपना कैलकुलेटर फिर लगाते हिसाब के बोलते अच्छा एक बच्चे का इतना पैसा मल्टीप्लाई पर इतने बच्चे यहां तो समा ही नहीं पा रहे बच्चे करके ठीक है और ये तो वो वाले ऑनलाइन वाले अलग इसमें ये मल्टीप्लाई करके और वो कैलकुलेटर में ई आ जाता है बाद में करके ठीक है बोला ये तो ई आ गया ऐसा नहीं होता है करके ठीक है सी फाइनल के, अच्छा फाइनल के तो काउंट ही नहीं किए थे फाइनल के और ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ये सब कहने की बातें हैं। टीचिंग में मास्टर जी टीचिंग में इज नो मनी एट ऑल चलो डन अरे बोलो डन मेरे को इतना ही मिलेगा जितना मैं ढाई महीने पुणे में रह सकता हूँ करके ठीक है रहने का खर्चा आने जाने का खाने पीने का चलो डन अरे ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो डन एक चीज समझना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब क्या होता है सब लोग इधर देखो देखो जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है ना टैक्स ये जो टैक्स मिला इस रेट से एंड उसके बाद सरचार्ज मिला ये गवर्नमेंट कहीं पे भी यूज कर सकती है कहीं पे भी यूज कर सकती है इनकी मर्जी वहां यूज कर सकती है उस पैसे को मीस उस पैसे को मिलिट्री में यूज कर सकती है उस पैसे से कोई कॉलेजेस बना सकती है यूनिवर्सिटीज बना सकती है हॉस्पिटल बना सकती है रोड ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकती है लेकिन जो सेस का पैसा होता है ना वो जिस लिए कलेक्ट किया जाता है वो उसी में यूज होता है तो ये जो पैसा गवर्नमेंट लेगी ना ये सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही यूज होगा ये कहीं और चीज के लिए यूज नहीं कर सकती गवर्नमेंट हेल्थ के लिए एंड एजुकेशन के लिए ही यूज करेगी किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकती तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लिया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है और ये सिर्फ एंड सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही यूज होगा इसके नीचे एक नोट लिखो इसके नीचे एक नोट लिखो और नोट लिखो टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम मतलब जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है लास्ट में जो पांचों एड की टोटल डिडक्शन लेने के बाद टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑलवेज राउंडेड ऑफ ऑलवेज राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रूपीज ऑफ टेन ऑनलाइन वालों लिखो टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ इन द दियरेस्ट रूपीज ऑफ द टेन मींस हमेशा आपको नियरेस्ट रूपीज ऑफ द टेन में राउंडेड ऑफ करना है इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी आपको कहीं पे अमाउंट ऐसा दिख जाए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर तो आप कितना लेंगे कितना लेंगे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन मीन लोअर फोर ठीक है अब एक बात समझना कहीं ऐसा दिख जाए सत्ताईस हजार पांच सौ पैंतीस तो आप कितना लेंगे सत्ताईस हजार पांच सौ चालीस मतलब वन टू थ्री फोर है तो लोअर टेन में आ जाइए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है तो अपर टेन में जाएंगे अगर कहीं दे रखा है सत्ताईस हजार पांच सौ अड़तीस टी एट ना तो सत्ताईस हजार पांच सौ चालीस तो ऐसा लिख लीजिए आप ये भी लिख लीजिए चलिए डन अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन मिस्टर बीबी रेजिडेंट इंडिविजुअल मिस्टर बीबी रेजिडेंट इंडिविजुअल एज थर्टी थ्री ईयर्स age 33 years having total income of rupees 15 lakh 30 thousand mr bb resident individual age 33 years having total income of 15 lakh 30 thousand 15 lakh 30 thousand कम्प्यूट टैक्स लाइबिलिटी फोर असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस कंप्यूट टेक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अज्यूम ही हैज़ ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 वन ये क्या लिखा है मैंने आप इसको छोड़ दीजिएगा समझने की कोशिश मत करिए मैंने लिखा है अज्यूम ही हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 वन अब ये 115 वन क्या होता है ब्रैकेट में लिखा है इग्नोर 115 वन आपको 115 वन को इग्नोर करना है ये 115 बीएससी हर क्वेश्चन में मैं ये लिखवाऊंगा मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन में कि अज्यूम उसने 115 बीएससी नहीं लिया है आपको 115 बीएससी के बारे में थोड़ा हिंट दूंगा कल परसों 115 बीएससी सेक्शन क्या है पता है आपको जिसको आपको पता रहेगा न्यू टैक्सेशन रिजिम बोला जाता है आपने सुना कि तीन लाख तक टैक्स नहीं लगता 3 लाख से 6 लाख तक 5% 6 लाख से 9 लाख तक 10% 9 लाख से लेके

तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इसकी कैलकुलेट करिए कैसे करेंगे तो इसकी जो इनकम है वो फिफ्टीन लैख थर्टी थाउजेंड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक इसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उसके बाद टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके और कहां तक जाएगा फाइव लैख कितना परसेंट लगेगा फाइव परसेंट अब आपको क्या करने का पता है? देखो टू फिफ्टी टू फाइव लैख पर फाइव परसेंट है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ टू फिफ्टी हा तो टू फिफ्टी से फाइव लैख का डिफरेंस टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय पर फाइव परसेंट तो कितना आता है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद फाइव लैख लेक से लेके और टेन लैख तो डिफरेंस कितना हुआ पांच लाख पांच लाख का बीस परसेंट कितना एक लाख एक लाख उसके बाद टेन लाख से ऊपर और अप टू फिफ्टीन लाख थर्टी थाउजेंड कितना आया थर्टी परसेंट आया तो फाइव लाख थर्टी थाउजेंड पे थर्टी परसेंट करो वन लाख फिफ्टी नाइन थाउजेंड इसकी टोटल करो टू सेवेंटी वन 500 क्या इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं सरचार्ज लगेगा या नहीं नहीं क्यों नहीं लगेगा सरचार्ज क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चों इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो ही सरचार्ज लगता है तो यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगेगा तो भी मैं ऐसा यहां पे लिख लेता हूं लिखने के लिए क्या एड सरचार्ज एड सरचार्ज नहीं आया लेकिन इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको हमेशा ऐड करना है तो ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट कितना आता है फोर परसेंट टेन थाउजेंड एट सिक्सटी तो टोटल हुआ टू लैख एटी टू थाउजेंड इसको बोलेंगे नेट टैक्स पेबल इतना उसका टैक्स आएगा नेट टैक्स पेबल नेट टैक्स पेबल टोटल इनकम जो दे रखा है वो डिडक्शन वगैरह सब लेने के बाद ही दे रखा है टोटल इनकम जो पंद्रह लाख और वो दे रखा है वो टोटल इनकम दे रखा है टोटल इनकम का मतलब नॉट ग्रॉस टोटल इनकम पहले पांच हेड की टोटल को ग्रॉस बोलते हैं उसमें से डिडक्शन लेने के बाद जो बचता है वो टोटल इनकम तो वो ही दे रखा है सीधा टोटल इनकम आपका पंद्रह लाख तीस हजार चलिए चलो फटाफट कॉपी करो इसको अभी देवेंद्र अरविंद प्रणब पीतम उत्कर्ष उत्कर्ष नाम कितना उत्कर्ष है ना उत्कर्ष अच्छा ये अच्छा ये फोर लग रहा है क्या लो अब टू एटी टू बस टू एटी टू थ्री सिक्सटी चलो एग्जाम्पल नंबर टू लिखो एग्जाम्पल नंबर टू लिखो लिखो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी ब्रैकेट में लिखिए एज सिक्सटी टू ईयर्स एज सिक्सटी टू ब्रैकेट क्लोज इज रुपए सिक्सटी फोर लैख टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी ब्रैकेट में लिखिए एज सिक्सटी टू ईयर्स ब्रैकेट क्लोज इज सिक्सटी फोर लैख क्लोज। क्लोज स्टॉप। ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया He is a resident of India. He is resident of India. He is resident of India. Full stop. Compute tax liability. Compute tax liability for assessment year 2425. Compute tax liability for assessment year 2425. फुल स्टॉप अज्यूम ही हैज ऑप्ट आउट अज्यूम ही हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 वन फाइव बी एस सी अज्यूम ही हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन वन वन फाइव बी एस सी डन फटाफट कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ स्नेहा क्या बोल रही हो बेटा स्नेहा देखो पहले क्वेश्चन में जो ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ रही है स्नेहा देखो हमने टैक्स निकाला उसमें ढाई लाख तक तो कोई टैक्स नहीं था ढाई से पांच लाख ढाई लाख का डिफरेंस होता है उसमें पांच परसेंट फिर पांच लाख से दस लाख का डिफरेंस एक लाख एक लाख पे बीस परसेंट सॉरी पांच लाख से दस लाख का डिफरेंस पांच लाख पांच लाख पे बीस परसेंट लाख और दस लाख से पंद्रह लाख तीस इसका जो डिफरेंस है वो फाइव लैख थर्टी थाउजेंड उसपे थर्टी परसेंट इसको ऐड कर दिया सरचार्ज नहीं लगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम पचास लाख से ज्यादा नहीं थी पंद्रह लाख की थी और उसके बाद Health and Education में हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स फोर परसेंट इसमें मैंने ऐड कर दिया ये आपका नेट टैक्स पेबल आ गया चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ सर इनकम रिपीट कर सकते हो उस क्वेश्चन में सिक्सटी फोर लैख लिखवाया मैंने सिक्सटी फोर लैख टोटल इनकम सिक्सटी फोर लैख फोर लैख वॉज इनकम सिक्सटी फोर लैख इनकम था उस क्वेश्चन में इसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखवाया उसमें 64 ,00 का इनकम है सरचार्ज पूरे टैक्स पे आएगा जो टैक्स आता है उस पर सरचार्ज सरचार्ज में स्लैब नहीं होता सरचार्ज के साथ कैसे स्लैब लगाओगे फिर आप तो नहीं तो फिफ्टी लेख तक कब कैसे टैक्स करोगे और स्लैब नहीं इसमें कैसा होता है इनकम फिफ्टी से ज्यादा हुआ पूरे टैक्स पे सरचार्ज हाँ चलिए जो आंसर आए उसमें पहला आंसर क्या है बताओ 19 लाख 120 ट्वेंटी पहला आंसर दूसरा आंसर एनी वन हां नाइनटीन सेवेंटी टू टू हंड्रेड तीसरा आंसर आई नीड एटलीस्ट टेन आंसर तो होने चाहिए ऑनलाइन वालों तुम बता दो इनटीन जीरो थ्री डबल जीरो नाइनटीन जीरो थ्री नाइनटीन जीरो थ्री डबल जीरो क्या बोला उसने सेवनटीन नाइनटी नाइन टू हंड्रेड सेवनटीन नाइन्टी नाइन टू हंड्रेड ये और एक आंसर ऑनलाइन वालो नाइनटीन एटी वन नाइन एटी 1981, 980, 1981, 980. चलो चलो कितने लोग स्टिल डूइंग योर हैंड अभी भी कर रहे हो चलो करो फटाफट करो फटाफट करो Thank you. भाई ऑनलाइन वाले बच्चों सो आपका आंसर आया 1979 120 दिस इज द राइट आंसर लोगों ने गलती की यहां पे स्लैब रेट सही नहीं लगाया जिन लोगों ने गलती की ना स्लैब रेट मतलब किसी ने ढाई लाख का लगा लिया यहां पे स्लैब रेट ढाई लाख नहीं बाबू तीन लाख सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन जिसका एज इयर्स या मोर होता है वो सीनियर सिटीजन तो आपको यहां पे स्लैब रेट है ना सरचार्ज ऐसा स्लैब रेट से नहीं लगता पचास लाख तक इनकम है सरचार्ज मत लगाओ अगर पचास लाख से ऊपर इनकम हुई और एक करोड़ तक है सीधा टेन परसेंट एड कर दो फिर वहां पे ऐसा नहीं देखना कि 50 लाख तक की इनकम पे टैक्स होगा उस पर सब नहीं सीधा ऐड करो 10 परसेंट वन करोड़ से टू करोड़ है सीधा ऐड करो 15 परसेंट टू करोड़ से फाइव करोड़ सीधा ऐड करो 25 परसेंट और फाइव करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सीधा ऐड करो थर्टी तो ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है मैंने यहां पर डाल दिया है यह पीडीएफ भी आपको हर रोज मिलती रहेगी जो मैं यहां पे लिखता हूं ये पीडीएफ आपको हर रोज ग्रुप में मिलती रहेगी तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए ठीक है चलिए एक और एग्जाम्पल लिखिए हाँ, हाँ। सरचार्ज टोटल इनकम पे डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम यहां कितनी थी 64 लाख थी तो सरचार्ज लगेगा चलो उसके बाद एग्जांपल नंबर थर्ड लिखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिखिए लिखिए मिस्टर सैम मिस्टर सैम, एज एटी टू ईयर्स मिस्टर सैम, मिस्टर सैम एज एटी टू ईयर्स इज अ नॉन रेजिडेंट इज अ नॉन रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम ंग टोटल इनकम ऑफ रुपीस वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट इयर चौबीस पस पच्चीस अज्यूम ही हैज opted out from section 115b ac assume he has opted out from section 115b ac चलिए ट्राई करिए फटाफट और आंसर लाके दीजिए हाँ भाई कोई अगर ये बोले कि इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि नॉन रेजिडेंट ऐसा नहीं होता बाबू एक बात बताऊं नॉन रेजिडेंट को भी इंडिया में टैक्स लगता है अगर इंडिया से इनकम होती है तो अज्यूम करो ये इंडिया से इनकम है सब उसको जो ये इनकम मिली है ये इंडिया से मिली है तो टैक्स लगेगा क्योंकि ऑनलाइन वाले एक बच्चे ने रिप्लाई कर दिया नो टैक्स सिंस ही इज नॉन रेजिडेंट भाई नॉन रेजिडेंट भी तो इंडिया से जैसे मान लो ये तुम्हारे प्लेयर वगैरह इंडिया खेलने आते आईपीएल वगैरह या बहुत सारे नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में आके इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है इंडिया में पढ़ेंगे इसका पूरा एक अलग टॉपिक आएगा सुमित एमी सोम्या मनोज नितिन आदित्य अंश जीतू कौन सा ग्रुप सर होगा होगा ग्रुप हाँ अपने लिए बोध ग्रुप बोले से ग्रुप में आएगा बोले बोध ग्रुप में हा बोलो आंसर 99 नाइन 39 थर्टी नाइन फोर्टीन थाउजेंड चलो ये पहला आंसर दूसरा आंसर फोर्टी लेख वन वन फोर तीसरा आंसर हा वन वन थर्टी नाइन लैख फोर्टीन थाउजेंड वन नाइनटी सिक्स ना सेकेंड वाले में फोर्टी लैख नाइनटी टू वन वन फोर अच्छा अच्छा वो राउंड ऑफ करके ऐसा फोर्टी लैख नाइनटी थाउजेंड वन वन जीरो राउंड ऑफ राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा आपको हमेशा मतलब पहला ये लिख के और फिर लिखने का दैट इज दैट इज करके और राउंड ऑफ करने का नियरेस्ट रुपीज ऑफ द टेन में दैट इज लिख के और राउंडेड ऑफ करने का फोर्टी लैख सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव एटी फोर्टी लैख सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव फोर्टीन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन हाँ भाई देखो टी नाइन लेख फोर्टीन थाउजेंड वन नाइनटी सिक्स आ गया टू हंड्रेड राउंडेड अपना टू हंड्रेड कर देता हूं मैं टू हंड्रेड इसमें आया क्या थर्टी नाइन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड थर्टी नाइन लैख हाँ थर्टी नाइन लैख फिफ्टी फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव सिक्सटी फोर्टी नाइन्टी टू वन आ गया ना वन वन फोर नहीं ये सेकंड वाला है ना चलो हाँ फोर्टी लैक्स सेवेंटी सेवन थाउजेंड सेवेंटी सेवन थाउजेंड सीधा फ्लैट वेरी गुड अच्छा वन सिक्सटी भी है क्या इतने आंसर आने नहीं चाहिए आंसर आया सेकंड है बट राइट आंसर थर्ड है ऐसा बोल रहे हैं देखते हैं पहली चीज तो इतने आंसर आने नहीं चाहिए आपको देखो इतने आंसर आए तो मेरे को यह लगता है कि दो चीजों में दिक्कत है या तो आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है जब इतने आंसर आ रहे हैं या फिर मैंने पढ़ा है वो समझ में नहीं आया दो चीजें हो सकती है मैं क्या कॉस्टिंग के लेक्चर में अच्छा जाना है कॉस्टिंग के लेक्चर में तो हाँ भेजेंगे ना कॉस्टिंग के लेक्चर में टेंशन क्यों ले रही हो एक बात समझना आज आप शाम को घर पे जाओ तो मैं आपको दो इंटरव्यू रिकमेंड करूंगा रैंक करके देखने के लिए देखना आप लोग ठीक है क्योंकि आप अभी चालू कर रहे हो अपना जर्नी तो जब आप अपना जर्नी चालू कर रहे हो ना तो हमेशा ध्यान रखने का कि इंटरमीडिएट में कौन से लेवल की सीरियसनेस चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इफ योर ऑब्जेक्ट के भाई आपको रैंक लानी है तो कौन से लेवल की सीरियसनेस चाहिए मैं आपको दो अच्छे वाले इंटरव्यू बताऊंगा एक आप यूट्यूब पे जाना और अर्जुन मेहरा करके एक बच्चा था उसका इंटरव्यू सर्च करना मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको अर्जुन मेहरा करके ठीक है उसको सर्च करना एयर वन था ये बंदा और ए आयर वन था टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन में मोस्टली टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में था ये अर्जुन मेहरा और दूसरा आप एक बार दीक्षा गोयल का इंटरव्यू देखना दीक्षा गोयल का ये दोनों ए आर वन थे एक बार इनकी सीरियसनेस को जरूर देखना आप अपने आप को क्योंकि फिर आप बोलोगे ना सर आपने हमको पहले नहीं बताया था ये चीज कि जब हम इंटर चालू कर रहे थे अब हमारे पास टाइम नहीं रहा हम इतने सीरियस या डिसिप्लिन हो नहीं सकते फिर आप बोलोगे काश चार महीने पहले ऐसा बता दिया होता ऐसा सोचते तो हम बड़े सीरियस रहते होमवर्क करते मेहनत करते पढ़ाई करते इसलिए मैं पहले बता रहा हूं करके ठीक है नहीं तो क्या होता ना एग्जाम से पहले बताता तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते सर आप पहले बता देते कई लोग कितना सीरियस रहते थे कैसे रहते थे अपनी लाइफ में आप जरूर इनका इंटरव्यू देखिए अर्जुन मेहरा करके जो बंदा है बंदा बड़ा डिप्रेशन में चला गया था सच बता रहा हूं पढ़ाई के टाइम पे ही वॉज इन टू द डिप्रेशन वैसी वाली बात थी टुक द मेडिसिन उसने मेहनत की बट ही प्लान लाइफ सुबह अगर तीन बजे उठ के पढ़ना है तो वो तीन बजे टाइम सोशल मीडिया मोबाइल किन चीजों को देना है उसको पता था एंड उसके बाद उसने अपना एग्जाम क्रैक किया सेम वे विद द दीक्षा गोयल ये भी बंदी बहुत क्योंकि ये जो आप लोग जिस एज में होना ये एज बहुत छोटी एज है इस एज को मैं बोलता हूं बड़ी छल वाली एज है करके ठीक है जिसमें आप बहक भी सकते हो और अपनी लाइफ बना भी सकते हो यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर ओन लाइफ तो हमेशा ध्यान रखना ये दो इंटरव्यू देखना आप लोग पंद्रह पंद्रह मिनट के इंटरव्यू रहेंगे उससे ज्यादा के है नहीं बट यू विल गेट द इनसाइट अबाउट द पर्सन के कौन से लेवल की मैच्योरिटी चाहिए इन द सीए इंटरमीडिएट टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड टू क्रैक विद द गुड रैंक या हाईएस्ट स्कोर से अपने को अगर क्रैक करना है तो कौन से लेवल की मैच्योरिटी चाहिए आपको पता चलेगा चलिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसका राइट right आंसर जो है राइट आंसर इज ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड दोनों ही राइट right है ये सेकेंड और थर्ड दोनों ही राइट right है या थर्ड थोड़ा ज्यादा राइट right है क्योंकि आपने राउंड ऑफ करके दिया है अब ये कैसे राइट right है तो चलिए फटाफट मैं आपको यहां टैक्स कैलकुलेट करके बता देता हूं मिस्टर सैम 82 इयर्स का एज है बट ये बंदा नॉन रेजिडेंट है एक बात बताऊं अगर ये बंदा नॉन रेजिडेंट है तो यहां पे आपको क्या फाइव लाख का बेसिक एग्जामिशन मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने क्या बताया था सीनियर सिटीजन कब बोला जाता है जब कोई भी पर्सन है उसकी एज 80 इयर्स और मोर है बट वो रेजिडेंट भी होना चाहिए वो रेजिडेंट भी होना चाहिए ये बंदा नॉन रेजिडेंट है लोबो का मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया था नॉन रेजिडेंट है एज कितना भी हो आपकी बेसिक एग्जाम यही लगेगी आपकी बेसिक है एग्जामी थाउजेंड वाली बेसिक एग्जामेशन लगेगी तो यहां पे आपकी बेसिक एग्जामिशन है वो टू लैख्टी थाउजेंड वाली ही लगेगी तो आप क्या करेंगे यहां पे टू लेख फिफ्टी थाउजेंड तक कोई टैक्स नहीं लगेगा डैश पे डैश मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अप टू फाइव लैख फाइव परसेंट बारह हजार पांच सौ फाइव लैख से लेके एंड अप टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट वन लैख टेन लैख से लेके एंड अप टू वन करोड़ ट्वेंटी लैख थर्टी थाउजेंड थर्टी परसेंट कितना हुआ टोटल टेक्स्ट थर्टी थ्री लैख नाइन थाउजेंड टोटल क्या हुई थर्टी फोर लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा सरचार्ज लगेगा यहां पे? सरचार्ज लगेगा यस yes. सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस एड सरचार्ज एट द रेट कितना फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट एड करने के बाद कितना आता है टोटल हाथ थर्टी नाइन थर्टी फोर सेवन ट्वेंटी फाइव एड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट टोटल कितना हुआ फोर्टी लैख नाइनटी टू थाउजेंड एंड वन वन फोर पास में लिखने का देख नाइन टू थाउजेंड एंड जीरो किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर किसी ने रैंक नहीं लाई तो क्या कोई गलत हो गया आंसर इज नो आई नॉट स्कोर एनी रैंक इन माय लाइफ हाँ मेरी कोई रैंक थी नहीं तो रैंक लाना या नहीं लाना बट एटलीस्ट रैंकर से अपने को ये पता चलता है कि अपनी लाइफ में ऐसा करने की अपन कोशिश कर सकते हैं अगर आपका टारगेट बड़ा है थोड़ा टारगेट अपन ऊपर रखते हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं और जब आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाते हैं भले रैंक नहीं है ऐसा जरूरी नहीं हर किसी की रैंक आएगी नहीं क्योंकि रैंक कितनी होती है पचास रैंक होती है अगर आप मल्टीपल अगर जिनके सेम सेम नंबर आते हैं तो बच्चे भी देखोगे तो सौ होते हैं इंडिया में पास होने वाले जो बच्चे होते हैं वो मान लो पंद्रह हजार के करीब इंटर में पास होते हैं तो अगर मान लो पंद्रह हजार बच्चे पास हुए उसमें से सौ लोगों की रैंक आई तो सब पंद्रह हजार की तो आएगी नहीं ऑब्वियसली सीधी सी बात है बट क्या होता है ना जब आप तैयारी उस लेवल की करते हो तो फिर आपको छोटे छोटे जो गोल्स है उसको अचीव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती आप लोगों ने सोचा हमने सोचा कि चलो हम लोग एक काम करेंगे माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी करते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन क्या हम सब लोग लोगों ने सोचा कि चलो यार माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट के लिए तैयारी करते हैं हो सकता है अपन माउंट नहीं जा पाए माउंट एवरेस्ट वहां पे नहीं जा पाए वहां पे अपन ठीक है नहीं हो पाए लेकिन उसके बाद अगर कहीं भी छोटे मोटे ट्रैकिंग पे जाएंगे या दूसरे वाले पहाड़ों पे जाएंगे वहां पे तो अपन ही जीतने वाले हैं वो तो अपने लिए बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि हमने तैयारी उस लेवल की की थी तो हमारी बॉडी जो है हमको पता है कि भाई वो कैसे जीना है तो इन द सेम लाइन यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों की रैंक आई हो ही नहीं सकता वो तो पॉसिबल ही नहीं है बट अगर आप तैयारी अगर अच्छी करोगे मेहनत अच्छी करोगे करके ठीक है तो पास तो हो ही जाएंगे और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई रैंक लाके ही पास होना है नो डाउट आ गई तो ठीक है नहीं आई तो कोई ठीक है बट देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और मैं इन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने आपकी लाइफ को सीरियसली बनाना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द टाइम जब आपकी लाइफ बन भी सकती है आपकी लाइफ बिगड़ भी सकती है यही टाइम है जो ये अगले आठ दस महीने और इसके बाद में आर्टिकलशिप होगी आपकी लाइफ सच में अच्छी होती है और हम बताऊं हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप लोग आते हो हम लोग आते हैं हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की और पैसा एक ऐसा चीज है जो मेरे को लगता है घर की अस्सी परसेंट समस्याओं का समाधान तो पैसे से हो सकता है जितनी घरों में दिक्कत है एटी परसेंट इश्यूज रिजोल्व हो सकते हैं पैसे से ऐसा मुझे लगता है और वो पैसा सीए बनने के बाद मिलता है ये बात तो पक्की है कि सीए बनने के बाद पैसा मिलता है वही आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए आगे बढ़ना है लाइफ में आगे जाना है वैसा कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एफर्ट मारो करके खुश रह के मारो ऐसा डिप्रेशन में आके टेंशन में आके एफर्ट मारने डरना बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज से कोई भी सब्जेक्ट से नहीं डरना कितना भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो कितना भी टॉपिक डिफिकल्ट हो बिल्कुल नहीं डरना आप उसको ऐसे फेस करोगे हंसते खेलते करके ठीक है नहीं आता है एक बार में समझ कोई बात नहीं क्लास में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड में जो बाजू में बैठा है उसने आंसर दे दिया आपने तो क्वेश्चन चालू ही नहीं किया है तो आपको लगेगा यार ऐसे कैसे हो गया मतलब मेरे में कुछ कमी है ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है देखो हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता है बट जैसा भी आपके पास है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है उसमें से बेस्ट आपको निकालना है और जो इंसान मेहनत करता है कुछ करने की ख्वाहिश रखता है उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करता है वो बन जाता है हर इंसान को चाहिए कि यार हम सीए बने पहले टाइम में बने ये करे वो करे ऐसे पैसे कमाए ये खरीदे वो खरीदे वर्ल्ड टूर पे जाए ये आप अपना गोल देख रहे हो बट उसके लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान इस प्रोसेस पे देना पड़ेगा आई रियली एडमायर द एम एस धोनी करके एम एस धोनी जो है दैट पर्सन उसने बहुत बार ऐसा बोला कि वी नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट वॉट विल बी द रिजल्ट बट एटलीस्ट प्रोसेस जो है उस पर तो अच्छे से ध्यान दो और प्रोसेस इज लाइक जो आज से आप कर रहे हो जो अगले पांच छह महीने आप पढ़ाई करोगे दैट इज कॉल योर प्रोसेस अगर आप इस पर ध्यान दे दोगे ना तो आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा और सिर्फ आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहो अरे ऐसे सपनों में बह रहे हो ये करेंगे आर्टिकलशिप करेंगे बिग फोर से करेंगे वहां से करेंगे वो करेंगे वो बट उसके लिए वो तो करना पड़ेगा ना जो आज कर रहे हो वो तो मेहनत करनी पड़ेगी तो नाउ जस्ट फोकस टू द टूडेज थिंक जो अभी आप कर रहे हो पाँच छह महीने सिर्फ आप उस पर अपना ध्यान दे दो और ऐसा कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है जो आपको क्लासेस में प्रोफेसर पढ़ाते हैं उतना घर पे जाके अगर घर पे होता है ट्रेवलिंग में होता है जहां होता है उसको आप रिवाइज करते चलो संडे जब मिलता है तो आप जो है उसको रिवाइज करते चलो और बताओ सोशल मीडिया जो है ना बहुत ही खराब चीज है मैं वापस बोल रहा हूं आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम किल करता है टाइम कंज्यूम करता है और उसके बाद आपको अच्छा फील नहीं होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे रील देखने के बाद मुझे अच्छा लगने लग जाएगा नहीं लगता है उसके बाद अच्छा उल्टा और डिप्रेशन में चले जाते हो है? So बस सांप इधर उधर घूमता था घूमता था घूमता था और अल्टीमेटली उसको मरना था क्योंकि वो जोड़ते जोड़ते कितना एक जुड़ जाएगा करके ठीक है तो वो वाला गेम आता था बट आजकल बहुत सारी चीजें हैं आप अपने आप को इन सब चीजों से थोड़ा अलग रखो थोड़ा अपने आप को हटके रखो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये अगले वाले आठ दस महीने हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे जीने वाले हो जो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो आप ऐसे जियोगे जो हर कोई चाहता है करके तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी चलिए आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करेंगे अपन और कल इसी टाइम पे ग्यारह बजे